चांडक जी को होस्टिंग देंगे, को होस्ट देंगे। आज के हमारे इस कार्यक्रम की बिजनेस की पाठशाला के आज के मुख्य वक्ता सीए राजेश जी चांडक हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। राजेश भैया आपका हार्दिक अभिनंदन है छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार भैया। जय महेश कुमार जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। हाँ, क्षमा करना, 2-3 मिनट आगे पीछे हुआ थोड़ा। नहीं नहीं अरे बिना किसी विलंब के अब हम अपने इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। मैं आए हमारे अतिथि राजकुमार जी काल्या का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्पीकर सीए राजेश जी चांडक जी का मैं इस सभागृह में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज के विधिवत वेलकम स्पीच के लिए हमारे डायनामिक सोच रखने वाले प्रदेश युवा संगठन के अध्यक्ष, जो कि बहुत सोच रखते हैं और वो चाहते हैं कि चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थितियां हो, परिस्थितियां कितने भी विषम क्यों ना हो, हमारे प्रदेश का कार्यक्रम किसी न किसी स्वरूप में चलना चाहिए। अभी अभी इन्होंने बहुत शानदार आइसोलेशन हंट कराकर पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे राष्ट्र में भी उसका डंका बजा दिया। बहुत सारे कार्यक्रम इन्होंने कराए। मैं प्रदेश अध्यक्ष रुपेश जी गांधी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अतिथि वेलकम स्पीच के लिए और इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आयोजित बिजनेस की पाठशाला में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच बिजनेस की पाठशाला में हमारे राष्ट्रीय नेशनल ट्रेनर राजेश जी चांडक एवं हमारे दक्षिण भारतीय राष्ट्रीय युवा संगठन के अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार भैया कालिया जी, आपका छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा संगठन की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। साथ साथ हमारे प्रेरणा स्रोत श्री राकेश भैया धवर जी, विजय भैया, राकेश भैया चांडक एवं राजेश जी मंत्री जी का कार्यक्रम के लिए बहुत ही प्रेरणा मिली, जिससे हम सब लोग आज इसके लिए शुरुआत कर पा रहे हैं। साथ साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी स्थानीय संगठनों के अध्यक्ष, सचिव एवं जिला संगठन सभी ने खूब मेहनत करके आज इसमें अधिक से अधिक लोगों को भाग लेने को प्रेरित किया। आप सभी का छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा संगठन की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। साथ साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा संगठन से बाहर से भी कई साथी आज जुड़े हुए हैं, आप सभी का भी मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तरफ से स्वागत करता हूँ। बिजनेस की पाठशाला की सोच से हमारा ये उद्देश्य था कि आज के समय में वर्तमान में जो व्यापार में जो नई व्यापार की संभावना है, वर्तमान व्यापार में जो परेशानी आ रही है, साथ साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए अगर हम सामाजिक संगठन के द्वारा कुछ कर सके, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। आप सभी का उत्साह देखकर हमें इस कार्य की प्रेरणा और अच्छे से मिल रही है। आगे भी हम आप सभी के मार्गदर्शन और सहयोग से ऐसा कुछ करने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। जय महेश। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत शानदार आपकी सोच थी कि हमारा चाहे स्थिति परिस्थिति कैसी भी निर्मित हो, लेकिन हमें अपना कार्यक्रम निरंतर और निर्बाध गति से चालू रखना है। और इसी सोच का परिणाम है कि आज हम एक बिजनेस की पाठशाला पूरे 7 दिन की एक वेब सीरीज लेकर युवा साथियों के लिए कुछ और आगे की सोच रख रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा आज के हमारे इस कार्यक्रम बीच उपस्थित हमारे संगठन के प्रथम व्यक्ति, पूरे राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार जी कालिया का, कि वे आए और अपने आशीर्वचन और शुभकामनाओं से इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें। थैंक यू राकेश भैया। जय महेश। आप सभी का अभिनंदन है। राकेश जी जवाहर, विजय जी राठी, रुपेश जी गांधी, संपूर्ण भारत में समाज को इस लॉकडाउन के पीरियड में ट्रेनिंग दे रहे, लगातार ट्रेनिंग दे रहे राजेश जी चांडक का, इनके द्वारा अलग अलग प्रदेशों में लगभग एकाध दिन छोड़ के रोज इस तरह की वेबिनार आयोजित की जा रही है, जिससे न केवल हमारे युवा साथियों और समाज बंधुओं को इस लॉकडाउन के पीरियड में मोटिवेशन मिल रहा है, बल्कि उन्हें ये भी समझने और सीखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में लॉकडाउन के बाद में किस तरह से व्यापार व्यवसाय को बढ़ाया जाएगा, किस तरह से इससे आगे हम बढ़ सकते हैं। अरुण जी डागा, अनोप जी माहेश्वरी और सभी साथियों के सराहनीय प्रयास के लिए मैं साधुवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ प्रादेशिक माहेश्वरी
युवा संगठन हर स्थिति परिस्थिति में आज ही नहीं सदैव ही कार्य करता रहा है, समाज बंधुओं और युवा साथियों को जागृत करता रहा है। इसके लिए मैं पूरी छत्तीसगढ़ प्रादेशिक महेश्वरी युवा संगठन की टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथियों, ये ऐसा एक मानव जाति पर संकट का समय है जिसमें न केवल हमें अपने आप को बचाए रखना है, घरों पर रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और हमारी कम्युनिटी की भी चिंता करनी है, साथ ही साथ जन कल्याणकारी योजनाओं में भी हमें मदद करनी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान ना करे हम अपने जीवन काल में वापस इस तरह की आपदा और परिस्थिति देखेंगे। इसलिए जिस तरह से जो भी सहयोग बन पड़े, चाहे मोटिवेशन का काम हो, चाहे आर्थिक सहयोग का काम हो, या हमारी कम्युनिटी में कोई तरह की हताशा नहीं रहे और एक विश्वास रहना चाहिए, चूंकि हम बिजनेस कम्युनिटी से हैं तो कैसे हमारे व्यापार व्यवसाय को और आगे हम बढ़ा सके, स्टेबल कर सके, इसके लिए आप द्वारा जो बिजनेस की पाठशाला नाम से 7 दिवसीय लगातार 7 दिनों तक मोटिवेशनल स्पीकर के माध्यम से इस तरह का कार्य किया जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महेश, मैं कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय राजकुमार जी, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस प्रदेश संगठन का उत्साहवर्धन किया और युवा साथियों में उत्साह दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा भाई आलोक से कि वे आए और आज के हमारे मुख्य स्पीकर सीए राजेश जी चांडक का एक संक्षिप्त में परिचय सदन के सामने रखें, सदन के सम्मुख रखें। भाई आलोक महेश्वरी। जय महेश साथियों, इट्स माय प्लेजर टू इंट्रोड्यूस सच अ प्लीजेंट एंड वर्सटाइल पर्सनालिटी अमंग सच अ ग्रेट ऑडियंस। साथियों, मैं बड़े गर्व से कह रहा हूं कि आज मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरे मेंटर, मेरे मार्गदर्शक, आज के हमारे मुख्य ट्रेनर आदरणीय श्री राजेश जी भैया का परिचय करने का अवसर प्रदान हुआ। सर्वप्रथम तो अध्यक्ष महोदय धन्यवाद इस कार्य हेतु। आदरणीय राजेश भैया, आपको प्रणाम करता हूं। साथियों, भैया के बारे में अगर डिटेल में बताने जाऊं तो शायद 1.5 घंटे पूरे ही कम पड़ जाएंगे, इसलिए भैया क्षमा चाहता हूं, संक्षिप्त में आपका परिचय दे रहा हूं। आप बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है और पूरे भारतवर्ष में आपको टैक्स गुरु के नाम से जाना जाता है। आपने JCI जूनियर चैंबर इंटरनेशनल में 1989 में सदस्यता ज्वाइन की थी और वहां पर विभिन्न पदों पर आसीन होते हुए पहले आप LGB मेंबर रहे, फिर GB मेंबर, फिर प्रेसिडेंट, फिर जोन डायरेक्टर, फिर जोन प्रेसिडेंट, फिर नेशनल डायरेक्टर और इसके साथ साथ सन 2004 में आपको JCI इंडिया की सर्वोच्च पद पर आसीन किया गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं JCI इंडिया के प्रेसिडेंट। सन 2004 में भैया JCI इंडिया के प्रेसिडेंट बने। आपके द्वारा JCI इंडिया में किए गए सेवा भाव को देखते हुए आपको राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी द्वारा एप्रिसिएशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आपने JCI इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेनर है और आपने आज दिनांक तक 25 से भी अधिक देशों में लगातार 750 से भी अधिक ट्रेनिंग व 1500 से भी अधिक स्पीचेस ली है। आज दिनांक तक आपने 1,00,000 से भी अधिक साथियों को एजुकेट किया है। आप रेगुलर ब्लड डोनर है और बहुत से लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए आप प्रेरित भी करते रहते हैं। आप विभिन्न संस्थाओं जैसे कि ICAI, पतंजलि, रोटरी, लॉयंस, बैंक्स, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, LIC, स्कूल, कॉलेजों में भी अपनी ट्रेनिंग ले चुके हैं। विशेष तौर पर आपको स्वामी रामदेव जी द्वारा भी विशेष रत्न से सम्मानित किया गया है। आपको वर्ष 2012 में प्राइड ऑफ द प्लैनेट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। JCI इंडिया द्वारा भी आपको विभिन्न अवार्डों से, विभिन्न रत्नों से सम्मानित किया गया है। आपने JCI के साथ साथ अखिल भारत वर्ष में भी अपना परचम लहराया है। आप अखिल भारतीय महासभा में भी बहुत समय से जुड़े हुए हैं और आपके द्वारा अभी हाल में ही एक बहुत ही विशाल पावरफुल स्पीच, जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अखिल भारतीय महेश्वरी महासभा द्वारा आयोजित महेश्वरियों का ग्रैंड मेला जोधपुर में जो आयोजित हुआ था, जहां 10,000 से भी ज्यादा महेश्वरी भाई उपस्थित थे, वहां पर भैया को मुझे प्रथम बार सुनने का मौका मिला और उस दिन से ही भैया को मैंने अपना गुरु मान लिया और आज मेरा यह सौभाग्य है कि भैया को मैं यहाँ पर आप सभी के समक्ष लेकर आ रहा हूं। साथियों, सदन से आग्रह करता हूं कि एक जोरदार तालियों के साथ आज के हमारे पायलट आदरणीय राजेश जी भैया का स्वागत करें। धन्यवाद। राकेश भैया धन्यवाद, आलोक भैया बहुत सारा।
दोस्तों अब हमारी बिना किसी व्यवधान के हम बिजनेस की पाठशाला का आयोजन यहाँ से आज हमारा पहला दिन है और मैं राजेश भैया को आमंत्रित करने के पहले एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ मैं आपको। मेरा एक मित्र है धमतरी के निवासी है अनिल बरडिया, जो कि अपने घर में एक छोटा सा व्यवसाय करते थे। उनके एक स्टील का बिजनेस था, पीतल का कारखाना था। और 2008 में जब एक कार्यक्रम के दौरान मैंने उन्हें निवेदन किया और उसके बाद मतलब उन्होंने मुझसे संपर्क किया, तब राष्ट्रीय हमारे राजेश जी चांडक का उन्होंने 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया और आज वो धमतरी में 5 बड़ी-बड़ी राइस मिल चला रहे हैं और शायद छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी राइस मिल वो इंडस्ट्री चला रहे हैं, इस जमाने में एक छोटी सी इंडस्ट्री चलाने वाले। और आज भी वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा वो जो बदलाव आया, मेरे अंदर जो बदलाव आया वो राजेश जी चांडक के कारण आया। एक ऐसे ही है, बहुत ध्यान से आप इन्हें सुने, इनका अनुसरण करें। मैं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच आदरणीय राजेश जी चांडक को यह मंच सौंपता हूं कि आप अनवरत इस बिजनेस की पाठशाला का लाभ हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मित्र, मेरे अखिल भारतीय माहेश्वरी युवा संगठन के दूसरी बार लगातार निर्विरोध अध्यक्ष चुन के आए हुए राजकुमार जी। देखिए जिसका नाम आर से चालू होता है ना, बहुत खास व्यक्ति होते हैं वो। राजकुमार जी को मेरा अभिवादन, मेरा नमस्कार। आज आप इस प्रोग्राम में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि देश में और समाज के साथ में क्या कार्यक्रम लेना है ये सोचना आप लगातार आपका कार्य जारी रहता है और जब आपको पता चलता है कार्य तो उसका अच्छा, उसकी अच्छी बातें आप सब तरफ उसको सही तरीके से बता सकते हैं। छत्तीसगढ़ माहेश्वरी युवा संगठन के अध्यक्ष रुपेश जी मेरे पुराने मित्र, जेसीस में मेरे साथी और समाज में मेरे साथ काम करने वाले राकेश जी झंवर, इस कार्यक्रम में बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन करने वाले आलोक बाबू, यहाँ उपस्थित मुकेश जी, अरुण जी, रुपेश, राकेश, हरीश और मनीष और सभी मेरे साथियों छत्तीसगढ़ के, मैं अगर अपनी मारवाड़ी भाषा में बात करूं तो आपको चलेगा क्या? ये जो प्रोग्राम ट्रेनिंग है या इसको मिक्स कर दूं तो चलेगा क्या? चलेगा। चलो ठीक है, बिल्कुल चलेगा। राकेश जी ने गर्दन हिला दिया, धीरे से बोला बिल्कुल चलेगा। तो भी उनकी बात को मैं लेता हूँ। माहेश्वरी लोगों से मारवाड़ी में बात करने में मैंने बहुत खुशी हुई। हिंदी तो दुनिया भर में बात करनी है और अंग्रेजी को जगह गरजे बटे बात करनी है, लेकिन मारवाड़ी भाषा में बात सिर्फ अपना समाज का लोग मिले तभी मैं कर सका। और घर में परिवार में माँ की बचपन से आदत है, माँ का भाई बाबू जी ने घर में मारवाड़ी भाषा ही जरूरी थी, तो मैं सब लोग बच्चा आज भी हमारा पूरे परिवार सब अपनी ही भाषा में बात करा, ये बात को मैंने बहुत गौरव है और ये लिए जब भी मौको मिली हो तो मैं बात करूँ। बिजनेस की बात करण के लिए आप प्रोग्राम रखे हो, आलोक माहेश्वरी को मैंने सबसे पहला फोन आया, भैया हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम एक प्रोग्राम रखें एक दिन के लिए, तो मैंने कहा बिल्कुल रखो, ये तारीख रखो, मेरा नाम लो, ये मैं प्रोग्राम हो गया पक्का। अब इसके आगे सजेशन है, भैया जब रख ही रहे हो तो एक दिन काहे को रखते हो, 7 दिन का रखो, और जब रख ही रहे हो तो 100 लोगों का क्यों रखते हो, ज्यादा लोगों का रखो। और फिर राकेश का फोन आया, फिर रुपेश जी से बात हुई और इन लोगों ने बड़े जल्दी, राजकुमार जी को खास बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने बड़ी जल्दी बात को पकड़ा, इनका जोश बहुत जोरदार है, इन्होंने फटाफट बात को पकड़ा और पकड़ के इन्होंने जल्दी से ये प्रोग्राम जो है इतना आज का आप देख रहे हैं इसका भव्य रूप, इनका रजिस्ट्रेशन कम्युनिकेशन तो कई सैकड़ों भाइयों से हुआ, लेकिन जब ज्वाइन करते हैं तो लोग थोड़े से कम ज्वाइन करते हैं, तो ये मुझे पता है क्योंकि मैंने बाकी जगह भी प्रोग्राम की है, जब 400-500 लोग हाँ बोलते हैं तो 150-200 लोग जुड़ते हैं। मैंने इनको ये बात बताया कि आप सब लोगों तक पहुंचो तो कुछ लोग जुड़ेंगे और जुड़ जाएंगे तो उनसे हम बहुत बढ़िया तरीके से बात करेंगे, फिर माउथ पब्लिसिटी से और बात फैलती है तो और भी लोग जुड़ेंगे, तो 7 दिन तक आपके ज्यादा लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। इसी बात के साथ में आप सबको मैं बधाइयां देता हूं कि आपने इनिशिएटिव लिया आज के जमाने में, और जब कोरोना ने हमको घर में फंसा दिया तो आप लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इतना सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजित किया, जो मेरी, मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है क्या आप सब तक? राकेश बहुत परफेक्ट है भैया,
आवाज ठीक है, वीडियो ठीक है, यानी प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। जी, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ताकि हम प्रोग्राम को शुरू कर पाए यहाँ पे। हाँ जी, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको राकेश जी? हाँ भैया दिख रही है, बराबर दिख रही है। हाँ, बिजनेस की पाठशाला आपका नाम बराबर है ना? बिल्कुल बिल्कुल बराबर। सीजी प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन है ना? ठीक जी, वेरी वेरी। तो इतनो अजीब डेवलपमेंट हुई हो कोरोना को कि अपनो जीवन अपनो बिजनेस अपनी भागदौड़ ऐसी चालू ही कि अपने ने तो ऐसा लगतो इन्हें भी कदर रुकन की भी गरज है। और वो तो कदे सोचिया ही नहीं था कि दुनिया ही बंद हो जाएगा, वो तो इम्पॉसिबल थो कि बंबई की लोकल बंद हो जाए, कि दुनिया का विमान उड़ना बंद हो जाए। माहेश्वरी आदमी वो तो सोच ही नहीं सके कि मैं मारा फैक्ट्री में दुकान में ऑफिस में महीनों भर तक जाऊं नहीं, तबियत भी खराब रहे तो भी पुक जाए, घर में कार्यक्रम रहे तो भी पुक जाए, खुशी में भी पुगे गम में भी पुगे, लेकिन अपना बिजनेस की तरफ ध्यान दे रहे। बिजनेसमैन का रूप में अपने माहेश्वरी की पहचान पूरी दुनिया में माहेश्वरी की पहचान बिजनेसमैन का रूप में, और आपको बहुत पक्का बिजनेसमैन और जबरदस्त तरीके से अपने अंदर जी दे। माहेश्वरी बनो बड़ी गौरव की बात है, और भगवान अपना ने माहेश्वरी समाज में आने को मौको दियो, इसीलिए तो आप अपा रोज सुबह शाम भगवान महेश को प्रणाम करनो चाहिए भगवान ने, और धन्यवाद देनो चाहिए कि भैया ओ मौको आप मने दियो। सो माहेश्वरी इज आर ग्रेट, आई सिंपली लव टू बी माहेश्वरी, और मने माहेश्वरी लोग मिलिया तो मने बहुत खुशी होवे। आज छत्तीसगढ़ प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन सब लोग साथ में आए के जोशीलो कार्यक्रम आज लिया, ये बात की मने बहुत खुशी है। आई एम सो वेरी श्योर सब आपका स्पीकर जी को है साथे भी दिन बहुत बढ़िया स्पीकर है, और बिजनेस में अपनो बहुत अच्छो फायदो हो से, यदि लिए आप हिम्मत से वो प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे तरीके से चालू रखो। अबे अपनो समाज और अपनो बिजनेस वो कितनो भी जोरदार रहे हो तो भी निसर्ग सबसे बड़ो है, प्रभु सबसे बड़ो है, भगवान सबसे बड़ो है। कदी कदी आप भूल जावा भागदौड़ के अंदर, भागदौड़ के अंदर आप घनी बात भूल, आप बच्चों का जन्मदिन भूल जावा, आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी आगे पीछे, आजकल तो व्हाट्सएप और ये वजह से बहुत आ जावे दो दिन से संदेशा, नहीं तो आदमी भूल जावे जन्मदिन भूल जावे, किरो मैरिज एनिवर्सरी भूल जावे, अलग अलग दिन भूल जावे महत्व का, बच्चों के स्कूल में जाने को है वो कार्यक्रम आपको भूल जावा, तो भगवान ने भी भूल जावा, भगवान ने भी भूल जावा। और जब अच्छी खासी कमाई लाई होगी तो वो इंसान तो बच्चे मेरे बाद में तो विनय लागे अब तो किसी की जरूरत ही नहीं है भैया, अब मैं सब अपना देख लू, अपना ने याद दिला उनके लिए भगवान वो करोना जी को है वो बोलो जावे भाई ऐसो कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो प्रभु कुछ ना कुछ व्यवस्था करेगा। तो दुनिया के अंदर सुनामी आती रहे, भूकंप आता रहे, बाढ़ आती रहे, तकलीफ बिजनेस बंद करे, लेकिन करोना सारखो प्रोग्राम कदे नहीं हो सके। और वो जितो बिजनेस ने डिस्टर्ब करियो ऐसो डिस्टर्बेंस बिजनेस में कभी नहीं हो सके। तो माहेश्वरी आदमी ने बिजनेस बोलो, बिजनेस करके बढ़िया ग्रोथ करे, आप तो राजस्थान से आए हो रहे तो अपना ने तो वो आदत है भाई, तकलीफ सहन करने की आदत है। अरे बटे तो पानी नहीं है आप बात अलग, ऊपर से धूप भी तूफानी है, कोई पेड़ पौधों में लागे नहीं, खेती भी ठीक से हुई नहीं। आज को राजस्थान तो घड़ो चुको है, जे समय अपना 100-150 साल 200 साल पहला अपना बुजुर्ग बड़ा बुजुर्ग बठे से आया तब तो घनी बड़ी तकलीफ थी, इरे लिए निकल गया, इरे लिए बारे निकल गया, पूरा दुनिया में फैला। और आज देखो डंका है कि चोट पे काम कर रहा है। तो अपने अंदर एक जबरदस्त फाइटिंग स्पिरिट, परिस्थिति कुछ भी हो आप लोग पीछे नहीं हटा, और हर प्रकार के बिजनेस और आज के तारीख में प्रोफेशन, आप इंडस्ट्री में है, आप खेती में भी है, आप बिजनेस में ट्रेडिंग में होलसेल में है, और अभी प्रोफेशन आप डॉक्टर सबसे ज्यादा माहेश्वरी, सीए सबसे ज्यादा माहेश्वरी, वकील सबसे ज्यादा माहेश्वरी, आर्किटेक्ट इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर दुनिया में, और लेडीज जो माहेश्वरी समाज की पढ़ी लिखी है 0% दुनिया में हाइएस्ट,
दुनिया में हाईएस्ट, कोई समाज की कोई लेडीज इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, जितना सम्मान माहेश्वरी समाज करे लेडीज को कोई दूसरा समाज नहीं करे। राजकुमार जी आप ये बात से तो एग्री करो ना, आप आपने ज्यादा जानकारी, पूरी दुनिया आप घूमो तो आपने आप बात पूरी खबर लागे और आप देखो और सब लोगों से मुलाकात करो, माहेश्वरी समाज में जो स्त्रिया की इज्जत है, ऑनर है, महत्व को स्थान है परिवार में, वो दूसरा समाज में नहीं है। सबसे ज्यादा अच्छो माहेश्वरी समाज है। आप बात में हमेशा स्टेज पे से बोलू, सब लड़कियों ने मालूम पड़नो चाहिए कि माहेश्वरी समाज में हो अठे रहे हो तो घणो ज्यादा फायदो है, जीवन घणो ज्यादा चोखो है। आ वाली बात अठे, आप फाइटिंग स्पिरिट से फायदो कही है कि बारिश आई तो भी आप मैनेज कर लेवा, धूप रही तो भी आप मैनेज कर लेवा, काम करने वाला लोग आया तो भी आप मैनेज कर लेवा, कोई कदम नहीं आया तो भी आप मैनेज कर लेवा, तबियत कम ज्यादा रही तो भी आप मैनेज कर लेवा, पैसा कम ज्यादा होया बिजनेस में होया ही करे, बिजनेस मन के लिए पैसा मतलब केरे करने कितना भी पैसा रहे, लेकिन जब चाहिए तो वे समय पे पैसा यूरो फ्लो कैश फ्लो यूरो क्रंच आते रहे। फ्रॉम ऑल दीज एस्पेक्ट्स वी हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइटिंग स्पिरिट एंड देयरफॉर वी हैव अ हैबिट ऑफ विनिंग। आप बराबर जीत ले और जीत के आप आगे बढ़ा, इस वजह से अपनी प्रोग्रेस हुई थी, अपना परिवार बड़ा अच्छा हुई रहा, अपना मकान अच्छा हुई रहा और अपना बच्चा अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहा। अच्छा अपना ने वो भी समझे, अपना घड़ा एडवाइजर भी म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस और फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, वे अपने ने वो भी समझाया तो आप अच्छे से रिटायरमेंट रो भी सेविंग्स करके रखिया, बराबर आपा अपना कने कुछ पैसा अलग भी निकाल के रखिया, सोना चांदी बराबर संभाल के रखिया। इतनो करण के बाद में आपा कोरोना के बारे में नहीं विशेष ज्यादा सोच सकिया, दुनिया ही नहीं सोच सकी, वो कोरोना बड़ो खतरनाक है, वो कोरोना जी को है, वो कोरोना इतनो स्ट्रेंज है, इतनो अजीब है, इतनो विचित्र है, इतनो नयो है और इतनो बड़ो चैलेंज है, वो एकदम पूरी दुनिया गोल गोल घुमाई दी और सब लोगों ने दुनिया में आश्चर्यचकित कर दिया, वो चाहे वो चाइना हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कि चाहे वो एशिया खंड है आप रशिया हो कि इंडिया हो, सब लोगों ने एक साथ परेशान कर दियो, जबरदस्त तरीके से परेशान कर दियो, दुनिया ने रोक दियो। इसी वजह से दोस्तों कही हो रहे हो थोड़ो चिंता, थोड़ी नहीं चिंता घनी बढ़ गई और कंफ्यूजन और डर अनिश्चितता भविष्य में काई होने वालो है, अबे बिजनेस को काई हो से, अबे मारे कमाई को काई हो से, काले कम ज्यादा हो गए तो काई हो से, काले अपना अबे जिको डेटर्स है जेने से पैसा लेना है पैसा नहीं दिया तो काई हो से, अपना वैसे घना लोग ब्याज से भी पैसा चलावे, जिन्हें ब्याज से पैसा दिया वे ब्याज नहीं दिया तो चल जावे, लेकिन पैसा ही नहीं लौटाया तो कैसे होते। आवाज अलग है, कुछ कुछ लोग तो बोले भैया पैसे मत दे ब्याज बराबर देते रहे, हमने कमाई के लिए दिया, अरे वो ब्याज भी रोक दिया पैसा भी रोक दिया तो कैसे हो सकता। ऐसी भारी चिंता, कस्टमर आवे कि नहीं आवे, ऐसा एडवर्स इम्पैक्ट होगा, तो ये वजह से आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डिस्कशन चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा से, ये डिस्कशन से डेफिनेटली यू विल फाइंड बेटर वेज ऑफ हैंडलिंग द अनसर्टन फ्यूचर। भविष्य अनिश्चित दिख रहे हो, स्पष्ट नहीं है। अभी आप लॉकडाउन करिया पहला और पछे फर्स्ट लॉकडाउन पछी सेकंड लॉकडाउन तो 14 अप्रैल, तापा वी केप्ट वेटिंग फॉर 14 अप्रैल कि 14 अप्रैल आया कि चलो काम धंधा चालू, फिर अपना ने ध्यान में आया जमने वालों नहीं है, अबे अगली तारीख दे दिया सब लोग मिलके 3 मई। भैया आप सब लोग मिलके अगर आ तैयारी करो कि चलो भाई 4 मई को चाबी वाबी निकालो, ताले वाले खोलो और सब बिजनेस चालू हो जाएगा, I don't think so it is going to be like that. Corona ka puri study agar kari to dhyan mein aave ki bhai wo to lambo ganit hai, lambo ganit hai matlab kahi
कि ईरी जी को वैक्सीन निकलने वाली है, वह पक्की वैक्सीन निकलने में 1 से 1.5 साल लगे, तब तक ट्रायल एंड एरर है। और जब तक वैक्सीन नहीं निकले तो वैक्सीन लगावे नहीं तो वो बीमारी बार बार हो सके, वो बीमार हुई के कोई ठीक हुई को तो इन्हें वापस दूसरी बार भी लग सके। और वैक्सीन निकल गई तो दुनिया पूरा पूरा दुनिया में फैल गए, तो दुनिया का सब लोगों ने वैक्सीन लगाता लगाता कितना साल लग गया, इतनी सारी दवा बनाने किसको टाइम लग सके। सो देयरफॉर भविष्य अनिश्चित है, वो मालूम नहीं कहीं होने वाला है। अभी से अनाउंसमेंट हुएगी कि 4 मई से फ्लाइट चालू नहीं होंगी, ट्रेन चालू नहीं होगी, बराबर है ना भाई? पाया ना आप सब लोग, ध्यान में आया ना आपके? 3 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन 4 मई से प्लेन भी चालू नहीं होगा, ट्रेन भी चालू नहीं होगी, तो बच्चे सफर कैसे चालू हो भैया, पूरा काम धंधो कैसे चालू हो पूरा? तो आ बात क्लियर है, देयर आर गोइंग टू बी अनसर्टेनिटीज। अच्छा, वो चर्चा ये लिए कर रहे हैं कि इफ वी नो द करेक्ट पोजिशन देन वी कैन हैंडल इट प्रॉपरली, देन वी कैन फेस इट प्रॉपरली, वी कैन प्रिपेयर फॉर इट। मानसिक रूप से तैयार हो जाओ, शारीरिक रूप से तैयार हो जाओ, फाइनेंशियली तैयार हो जाओ, सो वी कैन हैंडल द थिंग्स। हम ज्यादा अच्छे तरीके से भविष्य का सामना कर पाएंगे, इसलिए ये चर्चा सत्र, ये उसका उद्देश्य। क्योंकि कोरोना नया है, इसका नाम नोवेल नहीं है, नोवेल का मतलब होता है नया। ये कोरोना, कोरोना परिवार का नाम है, कोरोना परिवार का नाम है। कोरोना परिवार के वायरस आते रहते हैं, इसके पहले भी जो सार्स आया था वो भी कोरोना परिवार का था, और भी दूसरे आते हैं वो भी कोरोना परिवार के हैं। कोरोना परिवार का ये नया वायरस आया, उसका अभी तक नामकरण नहीं हुआ, इसलिए उसे बोला जा रहा है नया कोरोना। तो ये इसलिए नोवेल, नया नोवेल मतलब नया, नोवेल तो नोवेल कोरोना है, इसलिए बिजनेस के लिए भी नए चैलेंजेस है। कोरोना के हिसाब से जितने अपन सोचेंगे और जितना नया नया अपन रास्ता निकालेंगे और उसमें नई बातें आती रहेगी। लेकिन हमने पहले ही चर्चा किया, हमारे अंदर फाइटिंग स्पिरिट है और हम माहेश्वरी है, हम डरने घबराने वाले नहीं है। इसमें से रास्ता निकालना ये हमारा उद्देश्य है, एंड देयरफॉर लेट अस बी रेडी टू एक्सेप्ट द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। दुनिया बदल रही है, वैसे तो हमेशा ही बदलते रहती है, लेकिन अभी कुछ नए पद्धति से और तेजी से बदल रही है। यूरोप में, अमेरिका में, रशिया में, चाइना में, जापान में, थाईलैंड में, मलेशिया में पहले ही अत्यंत साफ सफाई है, कचरा नहीं दिखाई देता। सिंगापुर में जाइए, रास्ते में नहीं, गार्डन में नहीं, घर में नहीं, कचरा पसंद नहीं, लोगों को कचरा पसंद नहीं, लोग कचरा करते नहीं और वो फैलाते नहीं, संभाल कर रखते। और कचरे का डिस्पोजल सिस्टम बहुत अच्छा है, कारपोरेशन की तरफ से सूखा और गीला कचरा जाता है, बाद में वो रिसाइकल हो जाता है, वो रिसाइकल होके उसमें से कुछ मटेरियल बन जाता है, तो साफ सुथरी दुनिया है। हाँ, हिंदुस्तान अपना अलग, हिंदुस्तान में लोग बहुत ज्यादा है और लोग बहुत ज्यादा है और इतना साफ सफाई का सबको सेंस नहीं है, तो कचरा कर देते हैं, रास्ते में थूकते रहते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल से चलते, पान खर्रा यहाँ का राष्ट्रीय आदत है, यहाँ की पान खर्रा लिए बगैर दिन की शुरुआत नहीं होती। वो पान मुंह में डाला, तंबाकू डाला और फिर रास्ते पे चले मोटरसाइकिल स्कूटर लेके, और फिर जब मुंह भर गया तो फिर साइड में मुंह करके थूक दिया। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है, और इस सच्चाई को ये कोरोना ने बहुत बड़ी थप्पड़ लगाई। अब तो मजबूरी में साफ सफाई करना पड़ते भाव बहुत, अभी अगर गलती से थूक दिया ना तो लोग तो पीट देगा भाव जागा दे। अभी अगर कोई चौक में गलती से साइड में ऊपर थूक के आयो ना तो साइड में जाके थूक देते लोग। अरे लोग तो यहाँ नहीं ठोक रहे आजकल, लोग तो यहाँ नहीं ठोक रहे। अभी परसों पालघर के अंदर 3 लोगों ने ठोक दिया, काम धंधो कुछ नहीं, तो वो साधु आदमी और भी नहीं ठोक दिया भाई। मानसिक प्रॉब्लम है, टेंशन, लोगों ने टेंशन है, कंफ्यूजन है, गुस्सो है, जीवन में समझ में नहीं आ रहे कहीं करना, आज भी नहीं समझ में आ रहे, भविष्य में नहीं समझ में आ रहे, एंड देयरफॉर देयर इज कंफ्यूजन। वो कंफ्यूजन इसे गलत रास्ता से निकले,
पोकट में ढोक दियो तीन लोग आए, कोई कारण नहीं। बट दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और नए वर्ल्ड ऑर्डर में साफ सफाई से आगे की बात होगी। अब ये लोग आएंगे आपसे हाथ भी नहीं मिला से, नो शेक हैंड्स तो जोड़ो, हिंदुस्तानी ने स्टाइल है भाई, गले मिल, एक बार मिल, दो बार मिल, इधर से मिल, बड़ी खुशी हो भैया। बंद हो गया, 6 फुट दूर रहो, सोशल डिस्टेंस विल नॉट एंड ऑन 3rd of May, इट विल स्टार्ट ऑन 4th of May, बिकॉज वी विल बी गोइंग आउट ऑफ अवर होम्स। आप जब बाहर निकला, दुकान में जावा, फैक्ट्री में जावा, ऑफिस में जावा, तो अपना ने ध्यान देना पड़ता है कि जितना लोग है, कार्य करने वाला लोग है ऑफिस में, दुकान में, फैक्ट्री में, और कस्टमर से आने जाने वाला है, सब लोग से दूर दूर से बात करो। सोशल डिस्टेंसिंग, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यूज ऑफ फेस मास्क, वो बंद नहीं होने वालों, वो बंद नहीं होने वालों। अरे भाई, आपने जुकाम है, खांसी है, छींक आई थी, तो सवाल ही नहीं, तो बंद होना ही। नॉर्मली बात करने में भी अभी आप देख लीजिए, 3-4 महीने के बाद में आधा लोग मास्क नहीं निकाल सकते, वो मास्क पहन के जैसे शेक हैंड कर से नहीं, गले मिल से नहीं, नजदीक आसे नहीं, दूर से बात करो। संभवतः मुझे बुलाओ मत, फोन पे बात कर लो, ईमेल से बात कर लो, ऑनलाइन पोर्टल कर लो। अ न्यू बिजनेस वर्ल्ड ऑर्डर, उतना रश होने वालों नहीं है जितना रश तो विमान कंपनी तो परेशान में आएगी। सोशल डिस्टेंसिंग में अभी तो आप इकोनॉमिक क्लास में देखा कि तो नजीक नजीक बैठा है, हाथ में हाथ लागे, भाई आगे कैसे होने वालों है। विमान का प्राइसेस एकदम बढ़ जाए, क्योंकि सीट कम करना पड़ सका, सीट कम करो, कम लोगों को लेके जाओ तो फिर पैसे ज्यादा लो। ट्रेन में क्या होने वाला है, अभी तो धनाधन भर जाए, कोई हिसाब ही नहीं कितना भरे, कितना डब्बा में, बसेस के अंदर कितना भरे। नो माय डियर फ्रेंड्स, भविष्य में होने वालों नहीं है, वो चलने वालों नहीं है। दिस विल ऑल विल नॉट बी अलाउड, वी विल नॉट बी एबल टू डू इट, हम नहीं करेंगे, हम भी करना पसंद नहीं करेंगे। किसी का धक्का लगा तो सॉरी नहीं बोलेंगे, अभी तो गुस्सा आ जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, धक्का मत मार, दूर से बात। सो कोरोना को वो टीजर हुई वो, और दुनिया बदल गई, और परमानेंटली बदल गई। माइंड यू, सर्टन पीपल आर सेइंग कोरोना तो एक है भाई, ये एक का जो होगा सो होगा, कल दूसरा भी आ सकता है, कल तीसरा भी आ सकता है, दूसरा वायरस भी हो सकता है, और भी परेशानी हो सकती है। तो ये लिए अपना, अच्छा वन मोर थिंग, अभी वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बताया कि कोरोना स्वयं ने 15 दिन के अंदर बदल दे, थोड़ा चेंज कर दे। हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोगों ने सिम्टम्स नहीं है, नो सिम्टम्स ऑफ कोरोना, टेस्ट किया तो पता चला कोरोना है। सिम्टम्स आपको पता है कोरोना के, वो सिम्टम्स नहीं है, बट टेस्ट करने से पता चला कोरोना। दिस इज अ चेंज इन द वायरस, इन द बिहेवियर ऑफ द वायरस, देयर इज अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द वायरस, एंड द वायरस में चेंज इट्स बिहेवियर एवरी 15 डेज, थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हो। सो वी ऑल्सो हैव टू बी स्मार्टर, बेटर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज चैलेंजेस। ओ जी को कोरोना अपने पीछे लग गए हो, आपका हीरे से ज्यादा तेज भागना है, हीरे से सामने रहना है, हीरे ने अटैक करन को कोशिश नहीं करन देनो, जान है तो जहान है। आप अपने आपने बचावा, अपना परिवार ने बचावा, अपना लोगा ने बचावा, अपना कस्टमर ने बचावा, और हीरे से आगे दौड़ा तो बचे आपा बेहतर कर सक जावा। और आज को बहुत विशेष दिन है, आज से प्रोग्राम रखिए, आज 22 अप्रैल है, आज अर्थ डे है, इंटरनेशनल अर्थ डे। 50 साल पहला चालू हुए अर्थ डे, देखो भाई 50 साल 50 ईयर्स, 50 साल पहला 2 करोड़ लोग रास्ता में आएगा दुनिया में, और वे सब पॉलिटिशियंस ने बोलिया कि अर्थ का रिसोर्सेस लिमिटेड है, दे मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, देयरफॉर रिसाइकल, रिस्टोर, रिप्लेनिश, रिड्यूस एंड रीयूज, 50 साल पहला बोलिया। और आज अबे नहीं मानिया तो इमरजेंसी क्रिएट कर दिया, दिस इज अ कोरोना इमरजेंसी फॉर द अर्थ। Now the earth must understand, we all must understand, resources are very limited resources ne chalano hai, so we have to recycle plastic
यूज मत करो, करो तो रिसाइकल कर लो, कागज यूज कम करो, करो तो रिसाइकल करो, फिर से झाड़ मत काटो, रिसाइकल करो, रिस्टोर। अगर आप कोई चीज अगर कटे से हटाई लिए तो ऐसा नहीं कि भी कटे आप कटे से अगर थे वो मार्बल हटाई दियो, अरे भाई तो वो बटे गड्ढो मत छोड़ो, बटे कोई ना कोई दूसरा पत्थर डाल के फिर से जमीन में लेवल कर दो। रिस्टोर द बैलेंस ऑफ द अर्थ, रिप्लेनिश। आप अगर पानी निकालिया जमीन में से वो बोर करके तो वाटर हार्वेस्टिंग करो, और वाटर हार्वेस्टिंग करके फिर से पानी ने बटे पुगाए दो, जितना पानी निकालिए फिर से ज्यादा पुगाए दो, रिप्लेनिश धरती के अंदर फिर से पानी रहेगा तो अगले बार वापस काम में आएगा। प्लीज आर वी डूइंग दिस, रिड्यूस रिड्यूस द यूज ऑफ रिसोर्सेस ऑफ दिस अर्थ, कम 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 इस्तेमाल करो, जितनी गरज है उतने इस्तेमाल करो, जितना खाने की गरज है ना उतना ही खाना खाओ। अभी एक जोक आया व्हाट्सएप पे, आज ही आया ताजो ताजो थाने बताए दो, मारवाड़ी लोग बोले भाई चिंता करने लग गया कि यार जिनको दो तीन महीना में किराना खरीदते हो उतो महीना भर के लॉकडाउन में क्या खत्म हुई गो, तो घरे सब विचार करता बेटिया पचे वाके ध्यान में आयो, अरे महीना में 20 बार बारे जिम में जाता, खावन में जाता, किरे घरे जाता, अभी तो सब टाइम अपने घरे जिम रहा तो बच गई वो किराना खत्म हुई गो। माय डियर फ्रेंड्स, वो भी एक साइड इफेक्ट है, घर में रहो उनको ज्यादा खावन में आ रहे हो, घर में ज्यादा बन रहे हो, ज्यादा बाहर खा रहे हो, एंड जितनी गरज है वेर से ज्यादा शरीर में जा रहे हो तो वजन बढ़ रहे हो, शरीर ठीक नहीं रह रहे हो, वी हैव टू बी केयरफुल। देयरफॉर दिस इज रिटन हियर, रिड्यूस कम करो, इस्तेमाल कम करो, पानी कम इस्तेमाल करो, खाने का कम इस्तेमाल करो, हर चीज का लिमिटेड इस्तेमाल करो, ऑप्टिमम जितनी गरज है उतनो बस, बाकी फेंकनो बंद, पेट्रोल डीजल बेकार को खर्चा मत करो, जमीन में से निकले और थाके का नहीं आवे, रीयूज फिर भी इस्तेमाल कर दियो, डोंट थ्रो इट अवे, रीयूज जितनो जो चीज रीयूज हो सके वो रीयूज करो, डू नॉट थ्रो इट अवे। आप सब बिजनेस मैन है और लेकिन अपना ने बिजनेस कंटिन्यू कब करता है से? जब जान है तो जहान है, अभी अभी अपना प्राइम मिनिस्टर हुई है मोदी जी, जान भी चाहिए जहान भी चाहिए। जान है तो जहान है तो व्यापार है, और व्यापार है तो मुनाफा है, वो सर्कल चालू चीजें बराबर, जान बचनी चीज है, दुनिया बचनी चीज है, व्यापार रहनो चीज है तो मुनाफा आनो चीज है। माय डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हम बिजनेस में मुनाफे के लिए है, राइट, बट कोई पीरियड, लिमिटेड पीरियड तकलीफ का आ सकता है, और वो तकलीफ कोरोना तकलीफ हो सकती है, हो सकता है कुछ महीने में मुनाफा कम हो सकता है नुकसान हो जाए, फॉर अ टेम्पररी पीरियड, फॉर अ टेम्पररी पीरियड नुकसान भी हो सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म सोच के विचार करके चलो तो कुल मिला के मुनाफे में रहेंगे, क्योंकि व्यापार मुनाफे के लिए ही किया जाता है। ये नया अवतार लेने की जरूरत हमको भी है, माने कैमरों पतो है, माने फोन पतो है, माने घड़ी पती है, और वो सब पता है, लेकिन आज की तारीख में आपा इस्तेमाल कहीं कर रहा है, वो कही है आ चिट्ठी लिखनो, वो भी अपने ने पतो है, आपा आजकल लिखा नहीं पर चिट्ठी लिखनो पतो है, इरे जगह पे आपा इस्तेमाल कहीं कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे भाई, मोबाइल इस्तेमाल। So this is a new avatar of landline phone, camera, ghadi or वो जी को चिट्ठी रहे हुए आपा लिखता है लेटर, ये तो नया अवतार भी नाम है मोबाइल। तो चार चीज की गरज नहीं बची और मोबाइल है, तो ऐसो ही नया अवतार अपना ने बिजनेस में भी लेना है और कुछ नयो करो को विचार अपना ने करना है। आपा कितने तरीके से कमाई कर रहे हैं भाऊ, कमाई करना तो जरूरी है, दुनिया चलानी है अपना ने, तो आप कमाई तो करने वाला है, आपा कितना तरीके से कमाई करा, अपनी दुकान है आप वजह से कमाई करें, अपनी फैक्ट्री है वजह से आप कमाई कर रहे हैं, बराबर है, अपनी नौकरी अपना प्रोफेशन है
आपका डॉक्टर हा सी ए हा वकील हा एडवोकेट हा कंसल्टेंट हा इंटीरियर डिजाइनर हा वॉट एवर आप म्यूचुअल फंड कंसल्टेंट हा इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हा इंश्योरेंस एडवाइजर हा सो दैट इज अवर सोर्स ऑफ इनकम लेडीज एंड जेंटलमैन इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर प्लीज डू नॉट डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम इफ इट गेट्स डिसरप्टेड देन वॉट विल हैपन टू अस एक नहीं चलेगा एक से ज्यादा बनाओ तो मेन मुख्य आपको बिक्री है या कमीशन है साथ में थोड़ा सा बैच को इनकम भी जोड़ लो आप अगर बैंक में पैसा रखिया आप अगर डिबेंचर लिया आप अगर म्यूचुअल फंड का डेट फंड में रखिया तो आपने इनकम आना चालू हो जावे कुछ सरप्लस पैसा अलग निकाल के कुछ ना कुछ इंटरेस्ट को इनकम आप पीपीएफ में पैसा ना किया तो भी आपने अच्छो ब्याज आ जावे टैक्स छोड़ के प्रॉफिट में रहे मैं क्या बोल रहे भाई थोड़ा थोड़ा पैसा नहीं तो अभी दूसरा अटल म्यूचुअल फंड का कोई अपना जिसको सुनने वाला है मेरे में कोई उससे कंसल्टेंट दो बोल सर सर आज के जमाने में कोई पीपीएफ में पैसा डालना या बैंक में पैसा डालना समझदारी है क्या अरे भाई मैं कौन सी मेरी दुनिया की सारी कमाई उसमें डाल रहा हूँ 2% 5% डाला तो क्या फर्क पड़ता है बाकी का पैसा दूसरी जगह लगाएंगे थोड़ा सा पैसा सब जगह लगाओ अलग अलग एक ही बास्केट में सब नहीं चाहिए कोई ना कोई रेंट आना चाहिए किराया उठाने ठाकुर एक कमरों ज्यादा है घर में ठाके ऑफिस में एक रूम ज्यादा है ठाके कहने एक दूसरो ऑफिस खरीद रहे एक फ्लैट खरीद रहे एक गोडाउन है किराए से चढ़ाओ भैया किराए से चढ़ाओ कोटा राजस्थान में तो सब लोग रईस हुएगा ओनली बिकॉज ऑफ किराया दुनिया भर का स्टूडेंट है कि राजस्थान के कोटा के हर एक घर में एडिशनल कमरा एडिशनल फ्लोर एडिशनल घर लोग बना लिया किराए के भरोसे किराए के लिए किराए को इनकम एकदम जोरदार आप भी सोचना चाहिए थोड़ा सो फ्यू थाउजेंड्स इन अ मंथ इज ओके अचानक एक महीने से ध्यान में आया अपना खर्चे ही कम होगा वो कोरोना अपना खर्चे कम कर दियो पेट्रोल डीजल बिल्कुल पार्टी होटल नाश्ता खाना पीना मूवी जाना गार्डन जाना वो पिकनिक पे जाना वो कार स्कूटर पे लॉन्ग राइड लगा के आना कितना सारा खर्चा कम होगा वो अरे भाई कपड़ा का इस्त्री का खर्चा ही कम होगा कपड़ा धोने का खर्चा ही कम होगा क्योंकि बार बार रोज पेर के मारे नहीं जा रहे लोग कितना खर्चा कम होगा अपना तो खर्चो बहुत कम है अपना एक्चुअल में तो इसलिए थोड़ा सा और इनकम ले लो ना तो अपना खर्चो आराम से निकल जाए कितना भी साल तक तेजी मंदी में जिन्हें जमे वो तेजी मंदी कैपिटल गेन जिन्हें जमे वो कैपिटल गेन और कंसल्टेंसी प्रोफेशनल इनकम अलग अलग प्रकार की कंसल्टेंसी बहुत सारा करे आपका कोई ना कोई तरीको निकाल लेना चीजें और एडिशनल इनकम घर में अगर एक व्यक्ति कमावे समझो पुरुष कमावे तो थोड़ा सा महिला ने भी समझाओ कौन से तरीके से कई काम करके कौन सा पैसा कैसा कमा सके मैं थाने जस्ट आइडिया दे रहा हूँ इट्स ऑल अप टू यू टू थिंक अबाउट इट अपना खर्चा बहुत कम है थोड़ा सा इनकम बढ़ गए हो तो अपना ने बहुत ज्यादा फायदा हो सके खर्चा कम करना वो दूसरा तरीका है जो भी खर्चा लग रहा है दिन रात का बिजनेस का अपना ने सैलरी इंटरेस्ट रिफ्रेशमेंट रेंट ट्रैवलिंग फ्यूल प्लीज ट्राई टू रिड्यूस देम एज फार एज पॉसिबल सो दैट यू विल बी सेविंग मोर मनी एंड नाउ बिकॉज ऑफ द कोरोना देयर विल बी न्यू ट्रेंड्स फॉर द बिजनेस अभी कल माहेश्वरी महासभा ई पत्रिका को चौथो अंक रिलीज करियो आप लोग देखिया गई ई पत्रिका अपना मोबाइल पे आई रही हर हफ्ता में मंगलवार ही निकाल रहे हैं माहेश्वरी पत्रिका नागपुर से निकले महीना में एक बार प्रिंटेड आवे बाय पोस्ट बाय कुरियर आ जावे अब या थाका इरे वजह से लॉकडाउन की वजह से ई पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका दो पेज की मोबाइल पे व्हाट्सएप और वीरे अंदर में वीडियो नहीं रहा है 16 वीडियो 14 वीडियो अभी जो पत्रिका आई है 12 वीडियो देखिए आप लोग नहीं देखे तो देखो आप लोग कोई ना कोई ग्रुप में आपने आई उसे युवा संगठन का ग्रुप में भी आपने आई तो देखो आप वीरेंद्र वीडियो है काले पत्रिका निकली और वीरेंद्र मैंने भी बोलन के लिए बोलिया तो मारो भी एक वीडियो 20 मिनट को एक वीडियो मेरे अंदर है तो
एकदम नई ट्रेंड, एकदम नयो तरीको, कोई सामाजिक संगठन, एनजीओ, माहेश्वरी समाज को संगठन 100 साल से अपनी महासभा, ई पत्रिका निकाली, पूरे हिंदुस्तान में जाएगी, इंसान इंसान एक एक सदस्य तक जाएगी, एक एक मोबाइल में पहुंच जाएगी ई पत्रिका, अपार्ट फ्रॉम द प्रिंटेड वर्शन एक महीना में एक बार, ओ लो महीना में चार बार ई पत्रिका, एकदम एब्सोल्युटली न्यू इनिशिएटिव। वी मस्ट लर्न न्यू स्किल्स। लॉकडाउन में भी बिजनेस चालू, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन अमरावती विदर्भ महाराष्ट्र, बाकी टीम में 25-30 लोग है, 3-4 सीए है, वो बंद हुई गो, लॉकडाउन हो, ऑफिस मत खोलो, तो काई करनो, मतलब घर में बैठ के और कुछ काम मत करो, तो काम भी कैसे होगा, काम नहीं होगा तो इनकम क्या मिला, अच्छा काम नहीं हुआ इनकम नहीं हुआ, लेकिन खर्चा तो लागे रहा है ना, खर्चा तो लागे रहा है ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी को खर्चा लागे रहा है, टेलीफोन को खर्चा लागे रहा है, सबसे बड़ो पगार को खर्चा लागे रहा है, 25-30 लोगों ने पगार कटे से दे वाला, मतलब काम, अच्छा सरकार बोले कि इसको नौकरी से भी मत निकालो और उनका पगार भी मत काटो, अच्छा नौकरी से तो इसलिए भी नहीं निकालते कि फिर से कहां से लाएंगे ट्रेंड आदमी, तो हमको भी नहीं निकाल, लेकिन उनको पगार कहां से दे रहा, देने की इच्छा है, माहेश्वरी आदमी तो देने वाला ही है, तो दे दो, अपनी आदत है, अपना मन में खोटी नहीं, लेकिन कमाई तो होनी चाहिए ना। तो ये कोरोना की वजह से, आ मजबूरी की वजह से, ये लॉकडाउन की वजह से, मैं तेजी से मेरे लोग फटाफट, जिन्हें कने कंप्यूटर नहीं था मैंने कंप्यूटर मैनेज करवाया, बाकी कने लैपटॉप था एडिशनल एक्स्ट्रा स्पेयर, वे लैपटॉप में अपना अपना स्टाफ ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं मिलिया तो मैंने बोलिया अभी थे मैनेज करो, महीना भर के वास्ते कटे ना कटे से लैपटॉप कंप्यूटर और नया सॉफ्टवेयर ले लिया ऑनलाइन और काम चालू करो दियो। आज का तारीख में मैक्सिमम लोग बढ़िया काम कर रहे हैं एंड एवरीडे वी आर कंडक्टिंग मीटिंग फॉर द ऑफिस सीनियर्स एंड स्टाफ, ईमेल, टेलीफोन, व्हाट्सएप, गूगल डुओ और ताको जूम कॉन्फ्रेंस कॉल, ऑल टेक्निक्स वी आर यूजिंग, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सबको इस्तेमाल करके फुल फ्लेज में काम चालू करिया। वी हैव टू लर्न न्यू थिंग्स। वो जूम ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी आप, मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग करो को माने ये पहला ज्यादा काम ही नहीं पड़ी, वो बातचीत कर लेता, मीटिंग कर लेता, लेकिन ट्रेनिंग, फुल ट्रेनिंग लाइक दिस ट्रेनिंग, 150-200 लोग तो अलग अलग जगह पे फटाफट सीख लिया, फटाफट चालू कर लिया, नयो सीख लिया, टेक्नोलॉजी तो पहला से एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, हम यूज नहीं कर रहे थे, हमने सीखा नहीं था, चलो सीखो फटाफट, वो सीख के चालू हुए, जटे जटे पूग नहीं सकता बटे बटे पूगगा, सो पीपल आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दैट। So all of us have to learn new skills. घर में बैठ के वो समय को सही investment करो, learn new skills. काई हुई सके नई skill भैया, थाने जी को खुद में mind में है, वो मैं अभी थोड़ी देर पहला थाने बोलियो ना, नया अवतार, खुद को नयो अवतार बनाओ, उनको मौको है भाव, दिखन में भी और काम करन में भी। दिखन में कैसो कि थे जो भी सोच के रखिया हो से ना, कि मैंने हमारी हेयर स्टाइल चेंज करनी है, लेकिन अभी सबके सामने क्या चेंज करो, चालू जमाना में कटे चेंज करो, टाइम भी नहीं अपना करें, दिस इज द टाइम, एक महीने से आपको देखा ही नहीं है लोगों ने, चेंज होना है तो चेंज हो जाओ, हेयर स्टाइल चेंज कर दो, कपड़ा की स्टाइल की ने चेंज करनी है चेंज कर दो, दिस इज द न्यू टाइम फॉर द न्यू अवतार, नया अवतार बना लो। अंग्रेजी सीखनी थी, टाइम ही नहीं मिलते, अभी बैठ जाओ ना भाई, अभी बैठ जाओ प्रैक्टिस कर लो, ऑनलाइन कोर्सेस है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, बच्चा है, भाई बहन है, अभी प्रैक्टिस कर लो, जब बाहर आएगा लोगों से मिले ना नया, टाक 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 टाक, स्पीच थेरापी, भाषण ज्ञान देनो, बातचीत ज्ञान करो, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, ईमेल राइटिंग, ईमेल, हाउ टू डू दैट, अलग अलग कुछ एप्स है यूज करने का है, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ सिक्योर्ड वे, हाउ टू डू दैट फ्रॉम द मोबाइल एंड द कंप्यूटर,
अपना सीखता नहीं है क्योंकि अपना काम हो ही रहे हो सब चालू और टाइम नहीं हो अपना जिके से आप सीखने नाउ यू हैव गॉट टाइम ऑल्सो काम भी नहीं हो रहा अभी बाहर नहीं निकल रहे तो काम भी रुक गया काम करना है और टाइम है सीख लो ये मौका बट लर्न साइबर सिक्योरिटी की टेक्निक सब सीख लो हाउ टू बी वेरी प्रोटेक्टेड व्हाइल यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेमेंट प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म बिजनेस प्लेटफॉर्म साइबर सिक्योरिटी सीख लो सो ऑल ऑफ अस हैव टाइम टू लर्न न्यू स्किल्स जी बेकरी है तो नए प्रकार का केक बनाना सीख लो अभी टाइम है केक बनाता है तो ऊपर के आइसिंग की नई नई टेक्निक सीख लो बहुत नया नया चीज आएगी मेरे अंदर नया प्रोडक्ट्स बनाओ उनको सीख लो अभी समय अभी सब लेडीज लोग सीख रहे हैं सब लड़कियों सीख रही क्या बनाना डिश कैसे बनाना तुम बता दो गेम में अपने भेजो फैमिली के ग्रुप में पर्सनल पे भेजो ओके ये डिश कैसे बनाना वो टाइम मिल गया इंटरेस्ट आ गया लर्न न्यू स्किल्स आपके बिजनेस से रिलेटेड चीजें और नई सीखने का ये मौका है लर्न न्यू स्किल्स जितना नया नया सीखेंगे हम अपने नए अवतार में नए बिजनेस में नए चैलेंजेस में नया काम कर पाएंगे आई होप यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है ये ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या है कि लोगों के चेहरे और आंखें देखने को मिली तो समझ में नहीं आता लेकिन लग रहा है क्योंकि माहेश्वरी लोग हैं सुनने वाले मुझे पता है कौन है और वो नया सीखने का ये मौका हम सबको है और आप तो युवा लोग हैं आप लोगों को तो बहुत समय तक आगे काम करना है सो छोड़ो युवाओं की बात छोड़ो युवाओं की बात बच्चों के लिए लेडीज के लिए जेंट्स के लिए सीनियर्स के लिए दादा दादी के लिए नाना नानी के लिए सबके लिए ये समय है सीखिए नया जो रह गया था जिंदगी में नई जिंदगी दे रहा है भगवान आपको नया मौका मिला है नई कहानी सीख लो नई कविता सीख लो नया गाना सीख लो नया नृत्य सीख लो नया संगीत सीख लो नई संस्कृत भाषा सीख लो ये समय ये मौका है कैसे चार लोगों में बैठ कर बातचीत करते हैं कैसे गेम खेलाते हैं सीख लो इट्स अ टाइम टू लर्न न्यू स्किल्स ऑल ऑफ अस न्यू टेक्नोलॉजी भागदौड़ में समय नहीं मिलता था पहले तो नई टेक्नोलॉजी सीखने की रहेगी बहुत सी अभी सीख लो जो आई हो रही है वह तो सीखो जो नवी आने वाली है वह सीख लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंटरनेट ऑफ थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स रोबोटिक्स डेटा एनालिटिक्स सो मेनी न्यू थिंग्स इन दिस वर्ल्ड नैनो टेक्नोलॉजी Necessity is the mother of invention. अभी जरूर भी पढ़ गए हो सीख लो If you learn, you will enter into a new promising business world. मैं अभी 5 मिनट ठाका सर वो भी बात करी आने वालों बिजनेस को समय बहुत तकलीफ को है आ बात में मानू नहीं क्यों नहीं मानू वाह बात में थाने बताओ बट नाउ आई एम टेलिंग यू टू प्लीज लर्न आई एम नॉट टेलिंग यू आई एम इंसिस्टिंग मैं जीत कर रहे हो थाके ऊपर प्रेस कर रहे हो न्यू स्किल्स न्यू टेक्नोलॉजी न्यू डाइवर्सिफिकेशन आप सब लोग होशियार हो ऑलरेडी बिजनेस में नयो नयो काम करते ही थे आप लोग मैं थाने बोल रहे और नयो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बैकवर्ड इंटीग्रेशन अगर आप आपकी दुकान है मैंने बताया गया कि बहुत सारा रिटेल बिजनेस आज का ऑडियंस में रिटेल बिजनेस मैन है बहुत ज्यादा और इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ लोग कपड़े का व्यापारी है बहुत सारा लोग अभी कपड़े का व्यापार बोलियो तो वे साथ में सिलाई मशीन और सिलाई वालों आदमी टेलर वो सब रेवी वाके करने वे कपड़ा में कुछ एम्ब्रॉयडरी कर दो तो एम्ब्रॉयडरी वाला रेवी वाके करने बराबर वीरो पैकिंग अच्छे से करके बराबर पैकिंग करके ऑलरेडी दीज आर एग्जिस्टिंग थिंग्स But I am talking of new diversification. भाई मास्क बनाने को नयो काम चालू करो आने वाले समय में कपड़ा के साथ है मैचिंग मास्क लेने वाला है लोग भाई लेने ही पड़ते ना भाई लेने ही पड़ते ना भाई कोई कोई जेंट्स हो या कोई लेडीज हो अगर कोई कलर को खास अच्छी डिजाइन को
ड्रेस मटेरियल लियो, कपड़ा पहन लिया, तो विदेश आपने मास्क, व्हाइट मास्क, ब्लैक मास्क, थोड़ी अच्छा लगे, सेम कपड़ा को, वही कलर को मास्क, भैया मास्क मैन्युफैक्चरिंग चालू करो अपना बिजनेस के लिए और बेचने के लिए लोग आ रहे हैं। अपना प्रधानमंत्री जी बोलिए घर पे बनाया हुआ मास्क चाहिए, फेस कवर, ये मास्क भी नहीं बोलिया, फेस कवर। नाउ दिस विल बी रिक्वायर्ड, रीयूजेबल, रीयूजेबल, वॉशेबल, जस्ट वॉश एंड रीयूज, दैट्स ऑल। सो सेम कपड़ा चालू करो। सो वी हैव टू डाइवर्सिफाई, वी हैव टू लर्न डाइवर्सिफिकेशन। अभी आप बात तो बहुत क्लियर है ना, कितना सारा बिजनेसेस, मतलब एक महीना, अभी किराना की दुकानें तो बंद ही नहीं हुई, चालू ही है, तो लॉकडाउन खुलने के बाद में कोई फर्क पड़ने वाला है, चालू ही रहने वाली है, भाई वो तो नेसेसिटी है। दवाई की दुकान चालू ही है, हाँ बीमारी कम हो गई महीने भर में, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, पोल्यूशन एकदम कम हुई, वो होटल रेस्टोरेंट गाड़ियां टपरी को खानो बंद हुई, वो तो मेरे वजह से पेट पार्ट सब ठीक है, और दूसरों टेंशन ज्यादा हुई, वो बड़ो टेंशन आया तो छोटो टेंशन आदमी भूल जावे, बीमारी भूल गया, दवाई भी कम, लेकिन दवाई की दुकान चालू है, किराना की दुकान चालू है, हाँ कपड़ा की दुकान बंद है, और थाने के लागे अभी चार महीने खुल गए तो लोग सब कपड़ा की दुकान पे आ जाए लगे, अरे भैया एक महीने से शॉपिंग नहीं किया, आपकी बहुत याद आई, कपड़े खरीदने को आ गए। ब्याह शादी फंक्शन गैदरिंग ऑफ पीपल विल बी प्रोहिबिटेड फॉर द लॉन्ग लॉन्ग टाइम। लोग साथे आवन के लिए मनाई देने वाली है, कपड़ा काय के लिए खरीदे लोग, ब्याह का साव का कपड़ा काय के लिए खरीदे, अरे भाई इतना लोग आसे सबका सामने नया कपड़ा दिखना चाहिए, अब लोग ही नहीं आएगा ना भाव, बुलाना अलाउड ही नहीं है, गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ, कोरोना, सोशल डिस्टेंसिंग, देयरफॉर कपड़े का बिजनेस तेजी से नहीं उठेगा, पॉसिबल नहीं है, तीन महीने छह महीने नौ महीने नहीं उठेगा, उसके बाद में उठेगा। ट्रैवल, फ्लाइट्स, ट्रेन, टूरिज्म रिलेटेड, होटल, रेस्टोरेंट्स, वो बिजनेस अभी लॉकडाउन खुलियो तो चालू ही है। चाइना में लॉकडाउन खोलने के बाद में वो एक रेस्टोरेंट भी तो नाम है द स्नेक रेस्टोरेंट, स्नेक, स्नेक मतलब सांप, तो सांप और वीरे सारखी जी का जंतु जानवर सी फूड है, फक्त वीरी बिक्री करने को एकदम फेमस, वुहान में सबसे ज्यादा चलने वाला रेस्टोरेंट बंद होने है गो भाओ, पीपल आर नॉट कमिंग, पीपल प्योरली नॉन वेजिटेरियन पीपल आर नाउ टेलिंग वी वॉन्ट वेजिटेरियन डिश, सो रेस्टोरेंट आर चेंजिंग देयर मेनू कार्ड एंड न्यू वेजिटेरियन डिशेस आर बींग एडेड, सो द ट्रेंड इज चेंजिंग। अपने आटे का रेस्टोरेंट में तो ज्यादा वेजिटेरियन रहे, लेकिन रेस्टोरेंट में खानो आ वाली ट्रेन कब फिर से चालू होने वाली है वो कोई नहीं बता सके, बल्कि वो बता सके कि अभी जल्दी से चालू नहीं होगा, 50% तो वैसे ही कम पे आ जाएगा। बात घबराने की नहीं है, बात समझने की है, और समझ के उसको रिस्पॉन्ड करने की बात। जब कुछ हो जाता है फिर करते हैं तो बोलते रिस्पॉन्ड है ना, और अभी हम और रिएक्ट, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड, पहले कर सकते हैं बाद में कर सकते हैं, माहेश्वरी लोग समझदार है, पहले से ही सोच विचार कर सकते हैं। सो यू हैव टू थिंक ऑफ कैरी होम पैकेजेस, फूड थाली, होम लाइक फूड, ये रिलायंस ने कंसेप्ट लाया था, रिलायंस पेट्रोल पंप पे, लाइक होम लाइक फूड, घर के जैसा खाना, कम स्पाइसेस, कम ऑयल, घर के जैसे आएगा। पिज्जा और बर्गर इंडियन बच्चों को भी बहुत आदत लग गई, बट अब कहां जा रहा है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं ये जंक फूड में गिना जाता है, इसको अवॉइड करो, पिज्जा अवॉइड करो तो फिर हम क्या करेंगे, लोग घर पे बनाने की कोशिश करेंगे, तो घर पे बनाने की कोशिश करेंगे तो जो रेस्टोरेंट है उन्होंने क्या करना, अच्छा फिर भी लोगों को खाना है तो महीने में एक बार खाएंगे, अभी जो महीने में चार बार दस बार खाता था
वो एक बार खाएगा तो ऑर्डर बिजनेस का क्या होगा? वी हैव टू थिंक इन अ न्यू वे, कम आउट विद ऑर्गेनिक फूड, कम आउट विद हर्बल प्रोडक्ट्स, कम आउट विद द नॉन स्पाइसी एंड प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स एंड यू विल वंस अगेन हैव द मार्केट. कीप मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, यूज द मास्क. I will talk to about it later. हमारे पास में थोड़ा समय है, 5:10 हो गए. कितना समय है हमारे पास में और? राकेश थोड़ा 15-20 मिनट बात कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं. हाँ, क्या है, अपने समाज के अपने लोग मिल गए ना भैया, तो मैं भी जरा प्रवाह के अंदर. I do have certain points to talk to you, so please give me some time. जी, चैट बॉक्स में देखेंगे ना प्लीज. अच्छा जी, गुड गुड गुड, ओके, थैंक यू, थैंक यू जी. ये देखिए, मैंने ये एक नया समय, जो नया बिजनेस है उसको बढ़िया बनाने के लिए मैंने कुछ सजेशंस इस पे लिखे हैं. 7 दिन का आपका पाठशाला होने वाली है, उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस मिलेंगे. ट्रेनर्स को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत नई बातें सब पता चलेंगी. एक 5P वाला एक फॉर्मूला मैं भी आपको देना जा रहा हूँ. आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द फोर्थ कमिंग बिजनेस एंड देयरफॉर वी शुड ऑल बी वेरी वेरी हैप्पी. सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश की सरकार बहुत मजबूत है क्योंकि बहुत बड़ी मेजोरिटी से जीत कर आई हुई है. हमारे पंतप्रधान एक बहुत मजबूत व्यक्तित्व के मालिक है और निर्णय लेने में देरी अब की बार उन्होंने यहाँ नहीं लगाया कि उन्होंने, आपको पता होना चाहिए, करीब 4 या 5 दिन पहले चाइना ने HDFC बैंक के 1% शेयर खरीद लिए क्योंकि एकदम सस्ते हो गए थे, भाव एकदम गिर गया था. तो उन्होंने ये पॉलिसी निकाला है दुनिया में, जहां जहां कंपनियों के भाव शेयर्स के कम हो गए, शेयर खरीद के कंट्रोलिंग ले लो, वो कंपनी उनकी हो जाएगी, उनके पास पैसा है और शेयर प्राइसेस कम हो गई. क्यों? कोरोना की वजह से कम हो गई, बिजनेस कम हो गए, बैंकिंग की हालत तो पहले ही कमजोर थी और कम हो गई. आप और मैं बड़े हुए आज तक सुनते हुए ग्लोबलाइजेशन, वैश्विक व्यापार संरचना, वैश्विक सुन रहे हम आज तक. अब देखो उसको रिवर्स गियर लग गया. यूरोपियन देशों ने ये निर्णय लिया कि कोई भी एक्विजिशन, अमालगमेशन, टेकिंग ओवर ऑफ द कंपनी will not be completed unless government approves it. क्योंकि उनको डर था कि चाइना लेगा. हिंदुस्तान ने भी निर्णय लिया 3 दिन पहले कि भारत से जमीनी तौर पे लगे हुए जितने देश है, ये कोई भी हिंदुस्तान की कोई कंपनी खरीदना चाहते हैं तो सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी. रोक दिया उन्होंने, नहीं तो गए थे अपने हाथ से. चाइना ने नाराजी दर्शाया मोदी जी के ऊपर. ये क्या है? ये इसे कहते हैं डीग्लोबलाइजेशन. हम आज तक क्या सुनते आए हैं? ग्लोबलाइजेशन, सब कुछ दुनिया में हो रहा. अब ये नया दुनिया, मैंने कहा ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, डीग्लोबलाइजेशन. अब फिर से लोग, अभी मिस्टर ट्रंप क्या बोल रहे हैं? अमेरिका फर्स्ट. और मोदी जी क्या बोल रहे हैं? मेक इन इंडिया. अभी सब देश अपने अपने बॉर्डर्स को सील और क्लोज कर रहे हैं, दूसरे देशों को जल्दी अंदर आने नहीं देंगे. अमेरिका ने बोल दिया बाहर से आने वाले लोग रुक जाओ सब, अभी बताओ. दे वॉन्ट अमेरिकन्स, राइट? सो देयरफॉर ये नई वर्ल्ड ऑर्डर में सरकार अच्छी है, अपनी निर्णय फटाफट लेती है, अपने को प्रोटेक्ट कर रही है. डरने घबराने की जरूरत नहीं है, इंतजार करना पड़ेगा और सुधरना पड़ेगा, इम्प्रोवाइज होना पड़ेगा. मैं सिर्फ बदलाव नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं इम्प्रोवाइज. बदलाव मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, हमको नेगेटिव कुछ नहीं करना है, हमको बेहतरी की तरफ जाना है. सो वी नीड टू इम्प्रोवाइज एंड देयरफॉर माय फर्स्ट पी इज पोर्टल. पोर्टल यानी ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म. बहुत सारे बिजनेसेस में ये हो गया है और दुनिया के तो सभी बिजनेस में हो गया है, नेशनल लेवल के मैक्सिमम बिजनेस में ये हो गया है. अभी समय है कि आप छोटा छोटा जगह पे भी वो लेके आओ चीजें,
छोटा बिजनेस में भी लाना चाहिए, मतलब अपना कस्टमर मोबाइल पे से ही ऑर्डर देके अपना से बात कर ले रहे और अपना ने ऑर्डर दे दे रहे। अपना कस्टमर मोबाइल पे से अपना पोर्टल पे जाके मैंने दिख जावे ये चीज का ये रेट है और इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है और वो मेरे पे ऑर्डर दे दे रहे थाने। ऑर्डर कंफर्म वीरा पे पेमेंट भी कर देवे थाने ऑनलाइन, दुकान में आवन की गरज नहीं। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स के लिए, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए, जाने पहचाने प्रोडक्ट के लिए ऑनलाइन पोर्टल इज अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग बिजनेस। एंड इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जहां सोशल डिस्टेंसिंग है और जहां पे पर्सनल कॉन्टेक्ट कम करना है, ट्रेवल कम करना है, लोग पहुंच नहीं पाते, बारे गांव का लोग थाका से खरीदनो के सो ट्रेन में, फ्लाइट में, कार में ट्रेवल करनो कठिन है, खरीदने के सो दे कैन परचेज ऑनलाइन एज फार एज पॉसिबल। वो घणो महंगो नहीं है, आजकल इजीली अवेलेबल है, बहुत सारा इंटरनेट पे आप चेक करो तो आपको पता चल जावे, और बहुत सारा कंसल्टेंट से कंप्यूटर में, अपना समाज का बहुत सारा बच्चा है इधर अंदर कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। स्टडी लर्न अबाउट डेवलपिंग एंड एस्टेब्लिशिंग एन ऑनलाइन पोर्टल विच इज रेडीमेड अवेलेबल इन द मार्केट विथ फ्यू कस्टमाइजेशन, यू कैन अप्लाई टू योर बिजनेस। सो थिंक अबाउट हैविंग ऑनलाइन पोर्टल सो दैट यू आर अवेलेबल टू ऑल यूर कस्टमर्स। मारा दूसरा सजेशन है, डेवलप योर ब्रांड इनटू अ पॉलिश्ड ब्रांड। ब्रांड से प्रोडक्ट को नहीं है, ब्रांड इज अ पर्सनल ब्रांड। आई एम टॉकिंग ऑफ द पर्सनल ब्रांड। इफ यू टॉक ऑफ राजकुमार कालिया, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बड़े उत्साही है, बहुत अच्छा स्वभाव है, डिपेंडेबल है, रिलायबल है, ईमानदार है, आप उनके साथ काम कर सकते हैं, वो अच्छा बिजनेस करें। ब्रांड, आपकी ब्रांड की वैल्यू। इफ यू से राकेश जवर, भैया आप जानते हो गया हो बंदा है वहां, हाँ बिल्कुल मेरा उनके साथ में काम है, बहुत अच्छा काम है, सिस्टमेटिक है, पुरानी फर्म है, घर में बड़े लोग भी बैठे हैं, उनका भी ध्यान है, भाई है, अच्छा काम कर रहे। अपना ब्रांड, इफ यू टॉक ऑफ आलोक माहेश्वरी, यस 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 आई नो यंग फेलो बट वेरी जिनाइट, वेरी सिस्टमेटिक, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी फास्ट, वेरी स्मार्ट, गो अहेड। अपनो ब्रांड बनाओ, पॉलिश्ड, वेरी गुड, एड वैल्यू टू इट, अपनो स्वभाव अच्छो बनाओ, अपना प्रेजेंटेशन अच्छा बनाओ हमेशा के लिए, एज अ पर्सन, एज अ फर्म, एज अ कंपनी, योर ब्रांड शुड बी रिलायबल ब्रांड, देन योर कस्टमर्स विल नेवर गो अवे फ्रॉम यू। पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स, 5P में से तीसरों P, पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स, नीड बेस्ड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स। किस चीज की गरज है भाई, सिंपल है, मैं अभी थाने बतायो, कपड़ा बेच रहे हैं तो वे ही कपड़े को मास्क होना आपने, तो पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट बनाए बराबर। अभी लोगों ने बराबर इजी टू यूज सैनिटाइजर, इजी टू कीप इन द पर्स, अपने साथ में रखो जैसे मोबाइल रखो जैसे सैनिटाइजर, जैसे सैनिटाइजर होना जरूरी है, मास्क होना जरूरी है, कुछ लोग ग्लोव यूज कर रहे, ग्लोव होना जरूरी है, नीड बेस्ड एंड पर्सनलाइज। थाने क्या अनुनो भाई, वैसो बनाए दू, छोटो हो ना छोटो बनाए दू, बड़ो हो ना बड़ो बनाए दू, छोटा बच्चा के साइज को वैसो लोग है, थाने अलग प्रकार को अलग बनाए दू भाई, पर्सनलाइज प्रोडक्ट, दैट विल गिव यू वैल्यू, बिकॉज पर्सनलाइज का बहुत बड़ा वैल्यू है। कोई चीज अगर 100 रुपए में मिल रही, मतलब मुझे तो ऐसी ऐसी बना के, ऐसी ऐसी करके, मेरा उसके ऊपर आर लिखकर चाहिए, भैया 200 रुपए लगेगा, लेना भाई, लेकिन बना के Your margin increases tremendously. Please add, आप अगर किराना के व्यापारी है, आपके यहाँ पोते रखे हुए 10 चीजों के, अरे भाई आपके कस्टमर जो आते हैं वो खरीदते कितना है? अगर कोई प्रोडक्ट वो 1-1 किलो खरीदते हैं या 2-2 किलो खरीदते हैं बहुत सारे लोग, या बहुत सारे लोग 5-5 किलो, तो पहले से ही 1 किलो 2 किलो 5 किलो बनाकर रख दो ना, वो तो है ही ऑलरेडी ऐसा बनाकर रखते हैं। लेकिन मेरा इशारा और आगे, पर्सनलाइज प्रोडक्ट देख लो, समझ लो, चांडक जी, अच्छा चांडक जी क्या, महीने भर में ये 25 चीजें जाती है और इतना इतना जाती है, 25 चीजों का एक बास्केट बना दो ना भैया,
अगले महीने में 1 तारीख को उनके यहाँ पहुंचा देना होम डिलीवरी, उनसे बात कर लेना, ऑर्डर कंफर्म कर लेना और फिर पहुंचा देना। एडिशनल सर्विस होम डिलीवरी 25 प्रोडक्ट जो आप हर महीने हमारी दुकान से खरीदते हैं और जितना क्वांटिटी में खरीदते हैं करीब करीब उतना, इससे ज्यादा लगेगा हम भिजवा देंगे आपको। ये आपको अलग अलग 25 बार यानी 10 बार आने की जरूरत नहीं दुकान में, किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। हमारा रिक्शा आया और वो उसने पिकअप वैन लिया और डिलीवरी वैन से वो डिलीवर कर दिया आपको। जब आपने बोला तब आपसे समय पक्का किया, इतने बजे भेज रहा उतने बजे भेज दिया और पैसा आप ऑनलाइन पेमेंट करो। दिस इज माई बैंक डिटेल्स यूज, वो पेटीएम करो, गूगल पे करो, भीम ऐप करो, RTGS करो, ये मेरी सब फैसिलिटी है। ये मत बोलो मेरे पास है नहीं फैसिलिटी, ये लो फैसिलिटी। आप और कोई अलग चाहते हैं, ये अलग डेवलप कर लिया मैंने, पोर्टल बन जाएगा आपके साथ डील करने में उनको आसानी है। आपका पॉलिश ब्रांड है एज ए पर्सन, एज अ शॉप, एज अ ब्रांड, एज योर एस्टेब्लिशमेंट, एज अ प्रोफेशन, एज अ डॉक्टर, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका पॉलिश ब्रांड है पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स। आपको ये चाहिए था, मुझे मालूम था, आपने बताया था, आपसे फोन पे बात हो गई थी, कंफर्मेशन ले लिया था, व्हाट्सएप पे मैसेज दे दिया था, फोटो भेज दिया था व्हाट्सएप पे, ये प्रोडक्ट है 3, इसमें से आपने सिलेक्ट किया था, मैंने भेज दिया, ये कर। कोई चीज कम ज्यादा हो गई, ये पसंद नहीं है, ये ब्रांड नहीं चाहिए था, नो प्रॉब्लम। मेरी वैन वहां से वापस आने वाली है, कल खरीद लेगा, उठा लेगा आपसे वापस। पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स, थिंक अबाउट इट। ये अगर अब मुझे बताया गया बहुत सारे कपड़े वाले हैं इसके अंदर, तो उनसे भी मैं ये बात ये भी साथ में जोड़ लेता हूँ, प्रेजेंस इन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का यूज करके एक नई टेक्नोलॉजी निकली है, 3D टेक्नोलॉजी। इसके अंदर अगर आप कपड़े की दुकान है और मुझे अगर कोई मुझे जैसे ये शर्ट मैंने पहना है और मैं आपको मुझे और शर्ट खरीदना है, तो आप तुरंत कंप्यूटर पे उसको बता दे अपने टेक्नोलॉजी से कि ये वाला शर्ट पे आप ऐसे दिखेंगे, ये वाले शर्ट में आप ऐसे दिखेंगे, ये कलर आपके ऊपर इस प्रकार से जचता है और इस कलर में आप बहुत उभर के नजर आते हैं, ये आपने कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। ये उसकी स्क्रीन पे, उसके मोबाइल पे यूज। व्हाट्सएप का इस्तेमाल तो ऑलरेडी सब लोग कर रहे हैं बिजनेस के अंदर तेजी से अपने सब भेजने के लिए, बट मेक इट मोर ऑर्गेनाइज्ड। पोर्टल का यूज करो, वो खुद ही आप भेज रहे फिर वो देख रहा ना, आपके पास 10 है 10 हो वो पलट के देख लेगा पोर्टल एनी टाइम 24/7 एनी टाइम। जब आपका दुकान चालू है तब नहीं मतलब तब भी और बाद में भी, किसी और के साथ देखना है उसको देख सकते हो। तो प्रेजेंस इन सोशल मीडिया यूज वेरी वेरी पॉजिटिव प्रेजेंस इन द सोशल मीडिया, वेरी गुड। उसमें नेगेटिव कुछ मत डालो। कोरोना इफेक्ट, डोंट सेंड मैसेज, कोरोना इफेक्ट को मैसेज मत भेजो भाई। वेरी पॉजिटिव प्लीजिंग प्रेजेंटेशन, नो नेगेटिव न्यूज। एज ए पर्सन, एज ए फर्म, एज ए शॉप, एज एन एस्टेब्लिशमेंट, एज ए सर्विस प्रोवाइडर, यू मस्ट हैव वेरी पॉजिटिव प्लीजिंग प्रेजेंटेशन। Stand for positivity. आज के बाद में किसी से अगर फोन पे भी बात हो रही है ना, तो घनी चिंता हो रही है, मालूम नहीं कल होने वाला है, काले घनो नुकसान है, वो बिजनेस पे बंद कर दो, नथिंग डूइंग। जैसा सबका होगा उससे ज्यादा बेटर मेरा होगा, क्योंकि मैं पहले से तैयारी कर रहा हूं, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया, दिमाग लगा रहा हूं, सोच रहा हूं, प्लान कर रहा हूं, स्किल्स सीख रहा हूं, इसलिए मेरे स्टाफ को भी सिखा रहा हूं, घर वालों को भी ट्रेनिंग दे रहा हूं। इसलिए जो भी होगा अच्छा होगा, नया होगा हम इम्प्रोवाइज करेंगे। सो पॉजिटिव प्लीजिंग, खुशी भरा प्रेजेंटेशन, अच्छा आपका नाम याद किया तो खुशी होना चाहिए। हाँ, अच्छी दुकान, ब्राइट दुकान है, लाइट एकदम अच्छे लगे हुए रहते हैं, लोग इलेक्ट्रिसिटी खर्चा बचाओ ने सामने को लाइट बंद कर दे, कस्टमर आया कि धड़धड़ 10 लाइट चालू कर, कस्टमर गया कि 12 लाइट बंद कर दे। अरे भाई, दूर से देखने वालों भी कस्टमर है ना, थोड़ा ध्यान दो। पॉजिटिव प्लीजिंग प्रेजेंटेशन, नीट, क्लीन, फ्रेश,
अच्छा प्रेजेंटेशन, ऑलवेज मालिक का, स्टाफ का, फर्नीचर का, दुकान का, प्यून का, असिस्टेंट का, कंप्यूटर का, कलर का, लाइट का, हवा का, खुशबू का, म्यूजिक का, पॉजिटिव प्लीजिंग प्रेजेंटेशन, मैसेज का, लेटर का, फ्लायर का, एडवर्टाइजमेंट का, अनाउंसमेंट का, पॉजिटिव प्लीजिंग प्रेजेंटेशन, नो नेगेटिविटी, नो निराशा, नो थकान, नहीं उन्होंने अपना है जोश, खुशी, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लीजिंग प्रेजेंटेशन। वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर 5P फॉर्मूला, पोर्टल, गो ऑनलाइन, इंप्रूव, इन्वेस्ट इन योर ब्रांड, मेक योर पॉलिश ब्रांड इन योर नेम, पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स टू योर कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेस, लर्न न्यू स्किल्स, अपने असिस्टेंट्स को दुकान में जो लोग हैं सिखाओ, स्माइल, आस्क देम टू स्माइल। हमारी ई पत्रिका मैसेज में आप सुनो, मैंने दो ही पॉइंट बोलिया, स्माइल और ठहाका। और लोग निराश हो रहे हैं, आपके घर में से ठहाके की आवाज निकलना चाहिए, लोगों के चेहरे पे चिंता है, बच्चे लोग दाढ़ी नहीं कर रहे, कपड़े एकदम लैक लस्टर, ना भैया नॉर्मल अच्छे रहो, बढ़िया, बल्कि डबल टाइम दो स्वयं को, डबल प्राणायाम करो, डबल एक्सरसाइज करो, ऑफ कोर्स कंट्रोल के साथ ही, कहीं नुकसान ना हो जाए, लेकिन डबल मशक्कत करो, डबल प्रेयर करो, प्रार्थना करो, डबल आध्यात्मिक बनो, डबल म्यूजिक करो, डबल हॉबी करो, अभी समय है अपने पास, घर में है, लॉकडाउन चालू, बाहर निकलना अलाउड नहीं, सेक्शन 144 लगा हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, प्लीज इन्वेस्ट, बिकम द वेरी गुड प्लीजिंग पर्सनालिटी, मेक अ वेरी पॉजिटिव प्रेजेंस इन द सोशल मीडिया एंड पॉजिटिव प्लीजिंग प्रेजेंटेशन। बस मिला कि खुश हो जाना चाहिए, इस तरीके से बात करो, जोश में, अच्छे शब्द, मजबूत शब्द, वोकैबुलरी ठीक करो, अच्छी भाषा सीखो और अच्छी भाषा का इस्तेमाल करो, तो लोगों को खुश हो जाना चाहिए मिलकर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आने वाला समय जो है ये चैलेंजेस से भरा हुआ है, और इस चैलेंजेस में हम सब जीतने वाले हैं, एक तो हिंदुस्तान जीतने वाला है, देश जीतने वाला है, और भारत जीतेला तो आपा जीतेला, थाने मालूम है 1000 कंपनी जिसको चाइना में फैक्ट्री है दुनिया भर की, वे हिंदुस्तानी गवर्नमेंट का कॉन्टेक्ट में है, वी वॉन्ट टू शिफ्ट टू इंडिया। जापान सरकार करोड़ों डॉलर्स को पैकेज दियो शिफ्टिंग आउट ऑफ चाइना, नहीं 1000, धीरे में से आधी कंपनी भी अगर इंडिया में आई तो मोबाइल, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, ऑल दीज गैजेट्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो इंडिया में रोजगार, इंडिया में पगार की कमाई, इंडिया में रॉ मटेरियल को परचेसेस, सर्विसेस, सपोर्ट, बिजनेस सर्विसेस, कितनों बड़ो बिजनेस आने वालों है, ये फायदों की नहीं मिल सकते, ऑल इंडियंस, एवरी सिंगल इंडियन। अगर कोई छोटा सा गांव का छोटा सा खेड़ा में रह रहे हो ना, तो विने भी पीरो बेनिफिट जी को है, वो पीरो पूरो मिलने वाला है। एक बड़ी खुशी की खबर थाने थे टीवी पे देखी उसे, फेसबुक इज इन्वेस्टिंग अराउंड 44,000 crores इन रिलायंस जियो, हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, वर्ल्ड की न्यूज है, सिंगल biggest investment of FDI in India, 44,000 crores, Reliance Jio ka share ka bhav 15% badh gaya, kitni badi news hai, roz aisi news milne wali hai, to aane wala samay bahut accha hai, kuch din ki takleef hai, 3 mahina, 6 mahina, 9 mahina, saal bhar, 2 saal, social distancing permanently hai, mask yes, sanitizer yes, क्लीनलीनेस, अपना घर, अपना ऑफिस, अपनी फैक्ट्री अभी कर दो, शानदार क्लीनिंग करो और बेहतर गार्डन लगाओ, ग्रीनरी कर दो, विनय को पैसा खर्चा करो, मेंटेन रखो, हम यानी सफाई, माहेश्वरी बोला तो साफ सफाई पक्की, हट वैसे भी अपनो घर साफ सफाई रहे, लेकिन सिर्फ परिंडो और पुजारो घर सफाई रख के नहीं चले,
नहीं आपा सभी सफाई रखा लेकिन अभी वो नया सफाई फंड है एज अ पर्सन हु मस्ट लुक नीट फ्रेश क्लीन एज अवर शॉप फैक्ट्री गोडाउन अवर एग्रीकल्चर ऑपरेशन ऑल चूल अवर व्हीकल्स अवर होम सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से आगे आना चाहिए. वर्ल्ड बैंक बहुत बड़ा सपोर्ट दे रही दुनिया में लोगों ने सब देशों ने अच्छो काम करने के लिए सबसे बड़ो सपोर्ट इंडिया ने बिकॉज इंडिया इज डूइंग वेरी नाइस फॉर अगेंस्ट कोरोना. लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर ऑफ बिजनेस इन इंडिया. छोटा बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन सबने फायदा होने वाला है. हाँ थोड़ा थोड़ा चेंज करनो नयो सीखनो और अपने सबके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है. थैंक यू सो मच फॉर द वेरी पेशेंट लिसनिंग एंड इफ द ऑर्गेनाइजर्स अलाउ आई एम अवेलेबल फॉर एनी क्वेश्चंस इफ यू वांट टू आस्क. ओवर टू राकेश. बहुत शानदार भी बहुत जबरदस्त आपका सेशन रहा और जितने पार्टिसिपेंट्स आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है अपने क्वेश्चन हैंड रेस करके पूछ सकते हैं. हम उनका ऑडियो ऑन कर देंगे, उनको अनम्यूट कर देंगे. प्लीज अपना हैंड रेस करें जो भी और चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं. मनीष चैट ओपन कर देंगे. जी भैया. हाँ जी. और कोई साथी हैंड रेस करके अपनी बात को रखना चाहता है प्लीज अपने कुछ भी क्वेश्चन राजेश भैया से वो करना चाहते हैं पूछ सकते हैं. Q&A ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं. हाँ क्वेश्चन एंड आंसर का भी आप वहां पर Q&A का ऑप्शन आ रहा है वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन. गोविंद गांधी कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं. बोलिए बोलिए. हाँ गोविंद गोविंद अनम्यूट हो गए हो सर. बोलिए गोविंद भैया बोलिए. सर मेरा ये प्रश्न था जैसे आपने बोला कि अभी रेस्टोरेंट और ये सब नहीं चल पाएंगे तो अभी के नए इस जनरेशन में अपने को क्या बिजनेस का स्कोप दिखता है अभी आप. गोविंद ये तुरंत ऐसा मत सोच लो कि रेस्टोरेंट बिल्कुल नहीं चलेंगे और ऐसा मत सोचो कि अब रेस्टोरेंट का धंधा बंद करना है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा बल्कि जो काम हम कर रहे हैं वही काम हमको सबसे अच्छे से आता है तो उसको छोड़ो नहीं उसको बेहतर तरीके से करो उसमें थोड़ा नयापन लाओ थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करो कस्टमर से रिलेशनशिप बनाओ और उनसे दोस्ती करके ये पता करो आपको क्या चाहिए और वो उनको पेश करो तो आपका बिजनेस बेहतरी से चलेगा. नंबर वन. नंबर टू थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करो. कस्टमर को होटल के खाने के बजाय घर जैसा खाना चाहिए तो एक छोटी सी मेज अपने रेस्टोरेंट का एक हिस्सा मेस में तब्दील कर दो कि यहाँ पे 50 लोग रोज खाना खा सकते हैं. जो लोगों को जरूरत है वो आपसे जुड़ेंगे और वो आते जाते रहेंगे आपके यहाँ पे और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आपके यहाँ काम करने वाले लोग हैं इनका मिनिमम काम बराबर होता रहेगा और वो आपका होटल रेस्टोरेंट चालू रहेगा. दो. नंबर तीन होम डिलीवरी आइटम कुछ चालू करो सर्विस चालू करो कि आप नीट क्लीन जिस प्रकार से जोमेटो करता है स्विगी करता है आप उनके साथ में जुड़ जाओ या आप अपना चालू करो जैसे आपका जो ये है पिज्जा वाला डोमिनो वो अपना पर्सनल उसका घर पे पहुंचा के आता है. आप चाहो तो जोमेटो स्विगी के साथ चालू करो कि होम डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट जो कस्टमर को चाहिए वो वाला प्रोडक्ट. चार ये तीन आइटम बता दिए मैंने. चौथा अगर लोगों को चाहिए कि नहीं हम तो आपसे सूखे आइटम लेने वाले हैं तो ऐसे आइटम इजाद करो बनाओ लोगों के सामने पेश करो सैंपल भेजो 50-100 कस्टमर के यहाँ कि देखो मैंने नया रेंज लॉन्च किया है आपको और सूखा है इसमें किसी प्रकार का कोई आपको प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा. कुछ दिन के लिए सावधानी ज्यादा बरतो. पैकिंग बहुत सुंदर बढ़िया खूबसूरत और एकदम सेफ और एकदम क्लोज बंद ऐसी पेश करो उनके सामने कि नीट एंड क्लीन. ऊपर से पानी देना बंद कर दो रेस्टोरेंट में छोटी छोटी बॉटल रखना चालू करो. कौन सी वाली बाकायदा ये जो आपकी मिनरल वाटर की पैक बोतल रहती है ना वो अपने कस्टमर को दो. सर वी आर टेकिंग ऑल द केयर सर. अभी तो करो 2-3-6 महीने
बाद में देखेंगे समय कैसे बदलता है और फिर नया काम करने की और कोशिश हम जरूर करेंगे। ओके थैंक यू। गोपाल लासावा जी आप अपना प्रश्न लीजिए। गोपाल लासावा को अनम्यूट जी बोलिए। गोपाल भैया गोपाल लासावा जी आप प्लीज अपना प्रश्न कर रखिए। कोरोना के इफेक्ट की वजह से सभी व्यापारी हर व्यापार में कुछ न कुछ इफेक्ट्स आ ही रहे हैं, आगे फाइनेंशियल स्ट्रेन्स भी काफी होने वाले हैं। जरूरतमंद शॉप्स को तो जैसे किराना दवाइयों को तो चल ही रहा है, अब जैसे क्लॉथ हो या टाइल्स हो या कोई रिलेटेड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो, सभी में उतार आएगा बिजनेस में, आगे इसके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस होने वाला है। इसके लिए आपका सजेशन क्या है, क्या प्लानिंग करनी चाहिए? हाँ बहुत बहुत ये बिल्कुल ये होने वाला है, यही मैंने कहा कैश क्रंच जो है ये सबको फेस करना ही पड़ेगा, यही तो चिंता है। इसी चिंता में तो आप और हम गोपाल भैया सब डूबे हुए हैं। लेकिन गोपाल भैया मैं आपको एक व्यक्तिगत सजेशन देना चाहता हूँ, आपकी जो आवाज है उसमें वो खनक नहीं थी जो मुझे चाहिए युवा लोगों के अंदर, है ना। आप है ना ऐसे दबी हुई आवाज में बात मत करो, अगर वो नॉर्मल भी होगी ना, नॉर्मल भी होगी दबी हुई, तो मैंने कहा नई स्किल सीखो, स्पीच थेरापी करो, अपनी आवाज को जोशीला बनाओ। मेरी आवाज कैसी लग रही है आपको? जी एकदम जोशीली लग रही है भैया, डेढ़ घंटे से बोल रहा हूँ। हाँ तो वो जोश पैदा करो अपने अंदर, और जो ठीक है ना प्रॉब्लम है तो तुम माहेश्वरी हो ये भूलो मत भैया, दुनिया की कोई प्रॉब्लम माहेश्वरी को हरा नहीं सकती। कैश क्रंच टेम्पररी है, डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली कुछ महीनों के लिए, दो चार छह महीनों के लिए, साल भर के लिए कैश की प्रॉब्लम आने वाली, सबको आने वाली है। घबराओ मत, सरकार आपके साथ में है, बैंक पैसा देगी, घर पे बुला के देगी, कम ब्याज पे देगी। सरकार ने 50,000 करोड़ दो बार रिलीज कर दिए है, नाबार्ड को, सिडबी को पैसे दे रहे हैं कि छोटे बिजनेस मन। अभी देखिए 10,000 करोड़ हमारे मोदी जी ने आपके मुद्रा स्कीम में युवाओं को दिए पूरे हिंदुस्तान में, तो सरकार आपको पैसा इजीली देगी, क्रेडिट पे देगी, फैसिलिटी देगी। डरो घबराओ मत, और अगर प्रॉब्लम होगी ना भैया कि जैसे ब्याज से पैसे मार्केट के भी लिए है और ब्याज देने को पैसा नहीं, तो बिल्कुल प्यार से बात करो सामने वाले से कि भैया देख तेरा पैसा लिया है, मुझे देने का है, अभी पोजीशन ये है, तो इसके लिए ये एडजस्टमेंट करने का है, अगर कोई दूसरी एडजस्टमेंट होती है तो मैं करूंगा। कैश क्रंच हाँ आशाबाजी सही है, होने वाला है, इसलिए मैंने कहा खर्चे कम करो, खर्चे लगते ही कम है, बेकार खर्चे मत करो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मत करो। अभी कोई नई कार, नई स्कूटर, नई मोटरसाइकिल महंगी चीज है, अभी अभी नया फर्नीचर बनाने का समय नहीं है, अभी रुक जाओ, एक 6 महीने साल भर रुक जाओ, उसके बाद में फिर से बना लेंगे। आने वाला जो साल है ना 21-22, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने बोला है दुनिया रिसेशन में जा रही है, मार्च 2020 खत्म हुआ है, 2021 रिसेशन का साल बताया है, पूरे दुनिया का जीडीपी निगेटिव जाने वाला है, लेकिन 21-22 में तेजी से उछाल बता रहे हैं और हिंदुस्तान की पोजीशन टॉप के 2-3 देशों में रहने वाली है। तो साल भर की तकलीफ पूरी दुनिया को है, तो अपने को भी है गोपाल भैया, तो कोई उसका बहुत टेंशन लेना नहीं, ये टेंशन के समय आते हैं और चले जाते हैं। श्री श्री रविशंकर जी यही कहते हैं ये भी समय चला जाएगा, तकलीफ का समय भी चला जाएगा, तो ये विश्वास रखो। और आपको तो भगवान शिव का आशीर्वाद है, वो जो मैंने ई पत्रिका बोला ना, वो ई पत्रिका में मेरा 20 मिनट का वीडियो है, उसको बिल्कुल ध्यान से जरूर सुनना। बिल्कुल सर, राइट गोपाल, धन्यवाद। जी सदानी को अनम्यूट करो मनीष जी। तरुण कुमार सदानी आप अपना प्रश्न रखिए। जी भैया सबसे पहले तो हेलो। हाँ जी हाँ बोलिए तरुण भैया, हम सुन रहे हैं सर। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ युवा संगठन, माहेश्वरी युवा संगठन, और आपको सर जी धन्यवाद, आपने बात इतनी सरलता से, सहजता से, इतने अच्छे से रख दिया कि प्रश्न का ज्यादा गुंजाइश नहीं रहता। फिर भी एक मन में एक सवाल आया कि जो आप 5P बताया, 5P में फर्स्ट पी ऑनलाइन जो वो है पोर्टल का है, तो जी तो ऑनलाइन को बढ़ावा देना क्या उचित है वर्तमान समय के लिए? तो ठीक है, उसके बाद की समय के लिए क्या उचित है? ये बड़ी जो नामी कंपनियां जो चल चुकी है, ये क्या इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा? तरुण भैया मैंने है ना उसके साथ में सब कारण आपको बताए, कारण
ये बड़ी कंपनियां नुकसान पहुंचाए ये वाला इशू अलग है, लेकिन मैंने आपको कारण समझाए। छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए ऑनलाइन होना इसलिए जरूरी है कि आपका कस्टमर चाहता है, आपका कस्टमर अभी घर से बाहर ऑफिस से बाहर निकलना कम चाहता है, दुकानों में जाना कम चाहता है, व्यक्तिगत मेल मिलाप करना कम चाहता है, वो खुद को सेफ्टी में रखना चाहता है, लेकिन फिर भी वो चॉइस चाहता है, फिर भी वो अच्छे लोगों से खरीदना चाहता है, उसकी इच्छा है आपसे जुड़े रहना, लेकिन क्योंकि आप अगर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है और उसको आपके यहाँ आना नहीं है क्योंकि कोरोना है, आगे भी आने वाले समय में वायरस रहने वाले कोई ना कोई, तो लोग बोलेंगे हम ज्यादा बाहर नहीं जाते, तो फिर मैं कैसे हूँ तरुण कुमार से, तो तरुण कुमार बोलेगा नो प्रॉब्लम, मेरा ये पोर्टल है, इसमें मेरे ब्रांड के मेरे अवेलेबल 10 प्रोडक्ट, उसकी 3D इमेज, उसका पिक्चर, उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइस दी हुई है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, तो तरुण का बिजनेस बढ़ेगा ना भैया। आप बाकी बड़े बिजनेस की बात छोड़ दो आप, लेकिन तरुण का बिजनेस कैसे बढ़ेगा? तरुण का बिजनेस तब बढ़ेगा जब वो ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा, तो कस्टमर को जुड़ना भी आसान हो जाएगा। वो जब ऑनलाइन पोर्टल पे रहेंगे ना, तो आप उससे सोशल मीडिया मैसेज, सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन भेज पाएंगे बड़े आसानी से। आपने अगर कोई एकदम नया आइटम लाया ना, तुरंत सबके यहाँ आप मैसेजेस भेज सकेंगे, ये नया आ रहा है वाले मेरे यहाँ, आप एक बार नजर तो डालिए, आपके ऑफिस में दुकान में आने की जरूरत नहीं, वही 3D फिगर देख लेगा, 3D मतलब 3D, ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से कलरफुल देख लिया, प्राइस समझ लिया, आपसे बात कर लिया, ऑर्डर दे दिया। इसलिए तरुण भैया घबराइए मत, ऑनलाइन पोर्टल छोटे छोटे बिजनेस के लिए भी काम का है। जी जी भैया, कुछ क्वेश्चन आंसर हमारे पर आए हुए हैं क्वेश्चनर में। हाँ युवराज जी, वैसे तो प्लास्टिक प्रोडक्ट के बारे में, स्पेशली हाउस होल्ड के बारे में, कम से कम प्लास्टिक मकानों में यूज करो, ये इंटरनेशनल आज की मांग है एनवायरमेंट के देखते हुए। लेकिन जैसे कुछ प्रोडक्ट बहुत, जैसे बकेट है, टब है, कुछ प्रोडक्ट जो है ये प्लास्टिक के जरूरी भी है, अनअवॉइडेबल है। तो पहली बात तो लागू है, पहले से लागू है कि कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल होना चाहिए व्यक्तिगत रूप से घरों में, घर में इंडस्ट्री में होगा तो ठीक, लेकिन घर में कम से कम होना चाहिए। तो वो बात कोरोना के पहले से ही कमजोर है वो इंडस्ट्री के लिए। और सिर्फ जो गांव की मिडिल क्लास कस्बों की इंडस्ट्री है ना, वहां पे लोग कस्टमर जो है वो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े शहरों में प्लास्टिक बंद होता चला जा रहा है, किचन से बाहर होता चला जा रहा है, घर से बाहर होता चला जा रहा है। इसलिए मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आप भी ये ध्यान दीजिए कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बजाय दूसरे प्रोडक्ट की तरफ आप ध्यान देना, या कम से कम डाइवर्सिफाई करना आप शुरू कर सकते। ये एक कोमल का सवाल है कि आवर रेस्टोरेंट इज इन पुणे, पीपल वेरी कॉन्शियस अबाउट होटल लॉकडाउन, स्टाफ रिटर्न टू देयर नेटिव प्लेस। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कोमल भैया, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम है, कपड़े की इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि बंगाल के लोग रहते थे, आसाम के लोग रहते थे, छत्तीसगढ़ के लोग और बिहार के लोग कंस्ट्रक्शन में रहते थे, उत्तर प्रदेशी, अब वो सब घर पे चले गए। आपको लगता है कि वे जल्दी से वापस आएंगे? मुश्किल से तो पहुंच रहे हैं, कितने तो बीच में गड़बड़ हो रहे, तो वे आसानी से आएंगे नहीं, आएंगे तो बहुत कम आएंगे, अभी टाइम लगने वाला है। इसलिए ये हमको तकलीफ होने वाली है, इसलिए मैंने कहा होटल के लिए भी, होटल यानी रेस्टोरेंट है आपका या रूम वाला लॉजिंग बोर्डिंग होटल है, तो आपको भी ये ध्यान देना पड़ेगा कि कम से कम स्टाफ में जो सर्विस दे सकते हैं वो सर्विस रखिए, बाकी सर्विसेस आप बंद करने की या कम करने की या ऑनलाइन करने की, इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। आई एम ऑल्सो प्रोफेशनल इवेंट एंकर इन पुणे, इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन। भाई साहब, इवेंट जो है वो ऑनलाइन रहेंगे अभी सब। अभी आपने देखा इंटरनेशनल इवेंट हुआ 2 दिन पहले, लेडी गागा ने किया, पूरी दुनिया ने पार्टिसिपेट करके कोरोना को हेल्प करने के लिए करोड़ों रुपए उन्होंने जमा किए सब सरकारों को देने के लिए, तो वो ऑनलाइन इवेंट था। तो मैक्सिमम इवेंट ऑनलाइन है भैया, अभी आप जो बाकी होटल में होने वाले और हॉल में होने वाले इवेंट है, इसको साल भर के लिए बिल्कुल बिल्कुल आप भूल जाइए।
योगेश ने लिखा है हाउ टू अवॉइड डिस्टर्बिंग एलिमेंट एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन इज द डेथ ऑफ क्रिएटिव प्रोडक्शन. ना 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 आपने कुछ गलत पकड़ लिया. मैं कह रहा हूं बी मोर क्रिएटिव. आपको नया नया सोचना पड़ेगा. अभी नए बिजनेस के लिए नए वर्ल्ड ऑर्डर में आपको सब नया सोचना पड़ेगा. तो दिमाग का बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और माहेश्वरी लोगों के पास में बहुत दिमाग है इसलिए निश्चित रूप से ये हम इसका अच्छा काम कर सकते हैं. प्रियंका ने पूछा है व्हाट काइंड ऑफ न्यू डाइवर्सिफिकेशन कैन वी सी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. जबरदस्त एक बहुत अच्छी डेवलप होने वाली काम की प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री एजुकेशन है. प्रियंका ऑनलाइन कोर्सेज चालू हो चुके हैं. नासिक के आपके अमित राठी ने लॉन्च कर दिया है. हमारे चंद्रपुर के नितिन पुगलिया ने लॉन्च कर दिया है. सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रही है. इवन सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रही है. सो प्रियंका नया डाइवर्सिफिकेशन और एजुकेशन इज द बिगेस्ट बिजनेस. फ्यूचर में एजुकेशन बहुत बड़ा बिजनेस है. आज भी है आगे भी रहने वाला है. सो गो अहेड गो ऑनलाइन एंड प्लान लाइक दैट. पुनीत ने लिखा है ड्यूरिंग दिस कैश क्रंच इज इट राइट टाइम टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. माय डियर पुनीत जो बिजनेस चालू है उनको कैसे जिंदा रखना आज वो मुश्किल है. और जिंदा रह गए तो लंबा कैसे करना ये मुश्किल है. प्रॉफिटेबल कैसे करना ये तीसरी मुश्किल है. आप नया बिजनेस कर रहे हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप पहले से बिजनेस में नहीं है और एकदम फ्रेश न्यू है तो ये आज का नया चैलेंजेस देखकर विचार करना और 1000 बार विचार करके बाद में एक एक्शन लेना क्योंकि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है. तो थोड़ा ट्रायल और एरर करना पड़ेगा फिर धीरे से आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं. बिल्कुल निराशावादी रहने की जरूरत नहीं है लेकिन सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है. कृष्णा ने पूछा है अच्छा कृष्णा ने पूछा इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन शेयर्स फॉर लॉन्ग टाइम नेवर इन्वेस्टेड अर्लियर. कृष्णा पहले अगर इन्वेस्ट नहीं किया तो ये समय सही है क्या. तो मैं आपको ये बता सकता हूँ शेयर्स में आज की तारीख में काफी अच्छी अच्छी कंपनीज के शेयर्स काफी कम प्राइस में मिल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये सही समय है. ये भी कहा जा रहा है कि अगला साल भर रिसेशन चल सकता है. जून 20 और सितंबर 20 के रिजल्ट्स कंपनियों के काफी गड़बड़ आ सकते हैं तो प्राइसेस इससे भी कम जा सकते हैं. तो आप वैसे भी एकदम नए हैं तो बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना अच्छे से कंसल्टेंसी करके थोड़ा सा छोटा सा इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत आप कर सकते हैं. अभी जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज है उसके प्राइसेस बहुत कम है. बहुत अच्छा डिविडेंड मिल सकता है आपको 7% से ज्यादा ही मिलेगा तो आपको उसका फायदा मिल सकता है. तो स्टडी कीजिए कंसल्टेंसी कीजिए और छोटा छोटा हाँ और उससे बेहतर आप सोच सकते हैं आपका SIP इन म्यूचुअल फंड्स. तो SIP इन म्यूचुअल फंड्स इसमें रिस्क और भी कम है. शेयर्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के बजाय म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो प्लीज ये ऑनलाइन सेशन में ये विषय नहीं हो पाएगा. थोड़ा सा पर्सनल कंसल्टेंसी करके आप ये काम करें. सुमन का सवाल लू क्या भैया. जी सर काफी लोगों की जॉब चली गई. ऑनलाइन सेशन ले लेते हैं पहले. बिजू टावरी विपुल बिजू मनीष बिजू टावरी को लाइन में लो अनम्यूट करो. हाँ बिजू अपना क्वेश्चन रखे हैं अपने सामने. सर जी जयमेश एक चीज क्वेश्चन था मेरा कि अभी जैसे आज के डेट में ऑनलाइन डिलीवरी भी शायद बंद है. अभी बंद है. हाँ तो इस स्थिति में कैसे करेंगे जैसे अपन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जनरेट करते हैं अब फिर ऑनलाइन डिलीवरी बंद है. देखिए कावरी जी 21 तारीख से एसेंशियल गुड्स की ऑनलाइन डिलीवरी अलाउ कर दी गई है चालू हो गई है. नॉन एसेंशियल आइटम्स की बंद है. आपका जो बिजनेस है वो एसेंशियल में आता है कि नॉन एसेंशियल में आता है. मैं आपको बताता हूँ 3 मई का लॉकडाउन फुल एंड फाइनल नहीं है. इसके बाद और जहां जहां कोरोना के पेशेंट मिलेंगे वहां वहां फिर से लॉकडाउन होने वाला है. कहीं 7 दिन कहीं 15 दिन ये साल भर चलते रहने वाला है. तो और कपड़े का भी है और किराने का भी तीनों का व्यापार है. हाँ तो किराना एसेंशियल में आता है. कपड़ा और मोबाइल नॉन एसेंशियल में आता है. तो मोबाइल का बिजनेस तो दुनिया में बहुत हमेशा चलने वाला है. चिंता ना करें.
कपड़े का बिजनेस तो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले, किराना का बिजनेस तो बंद ही नहीं हुआ, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आगे और बढ़ता रहेगा, चालू रहने वाला है। तो आप होम डिलीवरी बिल्कुल कर सकते हैं, आप इसमें कोशिश करके इसमें चालू करते दीजिए, वो घबरा के मत सोचिए। लॉकडाउन जो है ये परमानेंट नहीं रहेगा, टेम्परेरी रहेगा, छोटे छोटे समय के लिए रहेगा, उन एरिया में रहेगा जहां पे इन्फेक्शन हुआ, बाकी एरिया चालू रहेगा। तो आप घबराइए मत, आप ऑनलाइन जाइए, होम डिलीवरी करवाइए, नो प्रॉब्लम। जी धन्यवाद। श्री कृष्ण जी सारडा को अनम्यूट करना है, मनीष श्री कृष्ण जी सारडा को। श्री कृष्ण जी सारडा राजीम से, ये हमारे धमतरी जिला के अध्यक्ष भी हैं। हाँ बोलिए सारडा जी। सारडा जी आप अपना प्रश्न रखिए। चांडा जी मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आपने कहा कि हमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट लगभग देख देख के छोटी छोटी जगहों में करना चाहिए, तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या हमें, जैसे हमारा जो व्यापार है रनिंग व्यापार से हटके, हमें किस क्षेत्र में SIP में कि शेयर पे किस पे ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और कैसे बढ़ना चाहिए। हेलो सारडा जी, ये मैंने आपको सजेशन दिया कि भाई अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ इनकम आपने भी डेवलप करना चाहिए। अपना बिजनेस का पैसा निकाल के लगाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सरप्लस पैसा अपने पास में होगा तो आप, आलोक भी तो है ना इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, तो अब जरा आप इन लोगों से, मैंने कहा ना कंसल्टेंट्स लोगों से थोड़ा बात कीजिए, और जो आपके पास सरप्लस पैसा है उसका आप SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड्स होता है, आपकी जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि आपको इनकम कब चाहिए, कितना चाहिए, पैसा कब वापस चाहिए, कौन सी जरूरत के लिए कर रहे हैं, तो वो काफी डिसिप्लिन सिस्टमेटिक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है, वो आप करें। अपने मर्जी से या वो व्हाट्सएप पे देखे या कोई किताब या टीवी शो देख के गलती से मत कर देना भैया, अपने विश्वास के कंसल्टेंट के साथ में बैठ के करना, आपकी खून पसीने की कमाई है, उसकी इज्जत करना भैया। सारडा जी ठीक है ना? जी हाँ भैया, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष रुपेश गांधी जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ रुपेश जी पूछिए। आपका सेशन सुना बड़ा अच्छा लगा, उसमें से एक पॉइंट मेरे दिमाग में है कि आपने जैसे कहा कि नए नए बिजनेस में निवेश करना या नए बिजनेस के जाना चाहिए कि बिजनेस में नहीं रहना चाहिए, तो अभी का समय वर्तमान का जो चल रहा है, क्या इसमें नए बिजनेस पे इन्वेस्ट करना या नए बिजनेस जो बिजनेस कर रहे हैं उसको छोड़ के और किसी नए बिजनेस में इन पैसा लगाना, क्या समय अभी सही है क्या? हाँ रुपेश जी, नहीं फिर से दोहराता हूँ, आप प्लीज ध्यान दीजिए और सभी लोग ध्यान दीजिए, जितने अभी 105 लोग हैं सब लोग आप ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, और ये मेरा पहला प्रोग्राम है, अभी सामने और 6 प्रोग्राम आपके होने वाले हैं और मैं भी अवेलेबल हूँ, फिर से भी बात कर सकता हूँ। मेरी बात सुनिए, चालू बिजनेस छोड़िए मैंने कभी नहीं कहा, मैं कभी नहीं कहूंगा, बल्कि वो तो कीजिए क्योंकि आप सबसे ज्यादा उसी को समझते हैं, उसी को करना जानते हैं, तो अपने चालू बिजनेस से प्यार मोहब्बत कीजिए, उसको नए तरीके से कीजिए, उसको मजबूत कीजिए, उसकी ताकत को बढ़ाइए, उसका ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाइए, पॉजिटिव प्लीजिंग प्रेजेंटेशन कीजिए, ये वाले। लेकिन पूरी दुनिया चाइना पे डिपेंडेंट थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, चाइना अटक गया दुनिया अटक गई, तो दुनिया ने तुरंत सीख लिया हमसे गलती हो गई, अब जापान बोल रहे लो करोड़ों रुपए लो लेकिन वहां से बाहर निकलो और चलो दुनिया में और जगह भी लगाओ, तो हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा फायदा होगा, और अल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंडिया के अंदर अभी बहुत तेजी से बनेगी, आज से लेकर तो अगले 5 साल तक आप देखते रहिए। तो इसी तरीके से मैंने आपके लिए कहा कि एक मुख्य बिजनेस को चलने दो, साथ में छोटे छोटे दूसरे इनकम की भी व्यवस्था करो, अगर एक कमरा अवेलेबल है तो उसको भी किराए से दो, 5,000 भी आता है ना तो वो भी काम का, उसकी इज्जत करो। दूसरी तरफ मैंने कहा अपने खर्चे बचाओ, अगर आप महीने का 1,00,000 बिजनेस में खर्चा करते हैं और 50,000 व्यक्तिगत खर्चा करते हैं तो बिजनेस में 10% और व्यक्तिगत में 25% कैसे कम कर सकते हैं, ये सोचो, तो उतना इनकम आपका बढ़ गया क्योंकि वो जो खर्चा था वो हुआ नहीं।
तो इस तरीके से जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए भी कहा कि डिविडेंड का इनकम होगा, इंटरेस्ट का इनकम होगा, छोटी छोटी एसआईपी करो। बिजनेस में तो जितना पैसा लगाओ कम होता है, 1 करोड़ लगाओ तो कम होता है। अरे भाई उसमें से थोड़ा सा 1 लाख रुपया निकाल के सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डाल दो, हर महीने में डाल दो, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करो तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा, सेफ्टी भी रहेगी। हम हमारे क्लाइंट्स को सबको एडवाइस करते हैं मेडिक्लेम कंपलसरी बिल्कुल करो, क्योंकि उसको अगर किसी दिन झटका लग के 2-4 लाख खर्चा हो गया तो उधर बिजनेस में इफेक्ट हो जाएगा, तो मेरी भी प्रैक्टिस चली जाएगी भैया, मेरी भी फीस चली जाएगी। तो मैं तो उनको, मैं एजेंट नहीं हूँ मेडिक्लेम का, लेकिन मेरे हर क्लाइंट को जहां भी मेरी कंसल्टेंसी है मैं सबको कंपलसरी मेडिक्लेम बड़े से बड़े अमाउंट का करवाता हूँ। भैया करो, भैया जी जो कंपनी का करना है करो, लेकिन भैया करो, छोटा सा क्यों किया भैया, बड़ा करो, सबका करवाता हूँ। क्यों? ये समझदारी की बात है भैया कि झटका नहीं लगना चाहिए। अभी कोरोना ने झटका दिया कि नहीं दिया रूपेश? बिल्कुल नहीं। थप्पड़ लगी कि नहीं लगी कान के नीचे? तो लग रही है। लगी ना, इतना धीरे से क्यों बोल रहे हो यार? जम के लग गए भैया, जम के खींच के लग गए, दोनों कान में लग गए। वो उसकी आवाज जो उसकी भनभन भनभन है खत्म ही नहीं हो रही, और ये लगने वाली है। और इसलिए हम लोगों ने सावधान होकर सीख लेना चाहिए। हम समझदार लोग हैं, अनुभव से सीख लो, ठीक है ना जी? हाँ जी भैया, ये क्वेश्चन आंसर में 2 क्वेश्चन है मुझे। ये सुमन ने लिखा है, काफी लोगों की जॉब चली गई और बिजनेस भी बंद हो गया, उनके लिए सजेस्ट जरूर करें। ये तो बड़ी मतलब क्या है कि दुखद परिस्थिति है। देखिए एक तरफ मतलब ये भी एक प्रॉब्लम है, एक ही प्रोग्राम में सब डिस्कस नहीं हो सकता इसलिए मैंने किया नहीं, लेकिन काफी लोगों की जॉब जा रही है, ये बिल्कुल सच्चाई बात है। और ये जॉब जाना बहुत दुखदायक होता है, और तो और जिनका बिजनेस था तो कुछ छोटे मोटे बिजनेस भी बंद हो रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं, तो ये भगवान ना करे किसी के साथ में हो। लेकिन सुमन घबराने की जरूरत नहीं है, हम माहेश्वरी समाज में पैदा हुए हैं, हमारे अंदर जीन्स है बिजनेस के और फाइटिंग स्पिरिट है। ये समय टेम्पररी है, चला जाएगा, बिजनेस भी कोई ना कोई चालू हो जाएगा, जॉब भी कोई ना कोई लग जाएगी, चाहो तो कुछ दिन कम पैसे पे भी काम कर लो, लेकिन बाद में 6 महीने 1 साल के बाद में जब इकोनॉमी सुधरेगी तो आपको फिर से बेहतर पैसा जॉब के अंदर मिलेगा। साल भर तो निकाल सकते हैं तकलीफ के अंदर, अपने खर्चे कम करो और कम में भी जिंदगी खुशी से जीने की आदत, खुद को, बच्चों को, बड़ों को, सबको लगाओ। 1 साल 1.5 साल 2 साल थोड़ी तकलीफ सहन करो तो हो जाएगा, समय निकल जाएगा। छोटा बिजनेस करो, फैमिली बिजनेस करो। जो आपको मालूम है माणिकचंद गुट का जो कोठारी जी ने बनाया था वो बिजनेस नहीं था, वो उनका व्यक्तिगत प्रोडक्ट था, खुद के लिए बनाते थे खाना खाने के बाद, और वो लोगों को पसंद आने लगा, दोस्तों को दिया, तो आज इतना बड़ा माणिकचंद का इतना बड़ा बिजनेस उनका शुरू हुआ। तो हम सब लोग जो है काबिल है, हम अपना छोटा छोटा काम करके समय निकाल सकते हैं, और उसके बाद में अच्छा समय आएगा 1 साल के बाद, उस समय निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। लोकेश मालानी अमरावती का आखिरी सवाल है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, क्या करना चाहिए? भैया लोकेश, अभी ये जो बड़े बड़े इवेंट होते थे ये अभी इतिहास की बात है। ये अभी देखिए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने किया शादी, बड़ी किया, लेकिन उसको इतनी गालियां मिल रही कि अभी कोई भी लोग जो है ना बड़े इवेंट करने वाले नहीं। फिर आपने क्या करना, ऑनलाइन इवेंट हो रहे हैं लोकेश, लोकेश मालानी, ऑनलाइन इवेंट मैनेज करने का सीखो, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं ऑनलाइन इवेंट, क्योंकि ये आपका खुद का स्किल है। ये हो गया एक। दूसरा, फैमिली इवेंट ऑर्गेनाइज और मैनेज करना सीखो। लोग क्या करेंगे, अपने परिवार में 10-20-25-50 लोगों के इवेंट करेंगे, छोटे छोटे। आपको आदत हो गई 500-1000-2000 के इवेंट करने की, अब आप नया सीखो 25-50-100 लोगों का इवेंट करना, इतना करने ये सीखेंगे तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा विदाउट जॉब नहीं रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम निश्चित रूप से करना पड़ेगा। सारे सवाल खत्म हुए? लगभग खत्म हो गए भैया। एक हमारे महामंत्री एक अरुण डागा जी का एक प्रश्न है। अरुण जरूर जरूर जरूर, अरुण भैया बोलिए, अरुण भैया बोलिए। हेलो हेलो, सर मेरा एक प्रश्न ये है कि जनरली अभी तक होता आया है कि अपने को कई बिजनेस में, मेरे बिजनेस में मेरे को क्रेडिट साइकिल देनी पड़ती है, आदमी 1 महीना बोल के 3 महीने में पेमेंट देता है। पोस्ट कोरोना वो चीज अब ऐसे एक्सक्यूजेस लाएगा कि मेरा तो फैक्ट्री बंद था, मेरा ये इशू था, वो इशू था, हर किसी के बिजनेस के साथ कुछ ना कुछ आएगा।
तो इससे कैसे डील करना है? जैसे मैंने एक पर्सनल प्लान किया कि अब ऐसे कस्टमर्स को छोड़ना ज्यादा बेटर है बनिस्बत की उनको माल देते रहना, क्योंकि अभी भी वो माल मांगेंगे, 2-3 लाख का माल दो, पुरानी 5-7 लाख की उधारी रखे रहो। तो ये इस चीज को कैसे हमको लड़ना है और आगे बढ़ना है, ये चीज जानना चाहता हूं। बहुत बहुत सही और प्रैक्टिकल सवाल पूछा अरुण तुमने, एकदम पक्के बिजनेसमैन के जैसा, एकदम करेक्ट है और जो तुम बोल रहे हो एकदम सही है, ऐसा ही होने वाला है, होना चालू हो चुका है ऑलरेडी, आप फेस कर रहे हैं और मैं भी फेस कर रहा हूँ। आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो मेरे जो क्लाइंट्स को मांगना नहीं पड़ता था ना फीस, उनको बिल जाके कितने दिन हो गए तो वो फीस नहीं दे रहे, यानी मांगना पड़ेगा आप, बराबर है कि नहीं आपकी बात? और किसी ने चेक भेजा ना 50% ही भेज दिया, बाकी का 50% फिर मांगना पड़ेगा, तो ये सबको फेस करना पड़ेगा। अभी इसके अंदर से रास्ते निकालना जरूरी है अरुण। सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस का मालिक कौन है? कस्टमर है। अच्छे कस्टमर मुश्किल से मिलते हैं। तो अभी अरुण जितने दिन लॉकडाउन है उतने दिन तुम अपने कस्टमर से सबसे पहले बात करो, रिलेशनशिप जमाओ, कौन काम के कस्टमर है पहले पता करो, उनकी लिस्ट बनाओ, कौन ये बताओ विश्वास किसके ऊपर है आपको, कि नहीं ये आदमी है ना वो प्राण जाए पर वचन न जाए वाले लोग कौन है भाई जो मेरा साथ देंगे। तकलीफ तो सबको है और सबको तकलीफ आने वाली है, उनको भी तकलीफ है, आपको भी है, मुझे भी है, दुनिया को है, तो समय कौन निकालेगा? एक साल के बाद सब ठीक हो जाएगा, इसलिए कस्टमर्स को एकदम से तोड़ो मत, उनको जोड़ के रखो, उनको साथ में रखो, उनको जो ऐसे कमजोर कस्टमर है जिनकी फाइनेंशियल हालत खराब है उनका भी अगर तुम पूरा तोड़ दोगे तो फिर से जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। उनको तुम थोड़ा सिखाओ, उनको हेल्प करो, कैसे बिजनेस कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, क्या चीज बेच सकते हैं, आपकी डिलीवरी सिस्टम को सुधारो कि भैया क्यों 10 आइटम लेके जाते हो, 2 ही आइटम ले जाओ, मैं आपको वादा करता हूँ फोन आने के बाद इतनी देर में आपके यहाँ पहुंच जाएगा आइटम। तो उधारी बेचने की जरूरत नहीं है, डिलीवरी सिस्टम को इफेक्टिव बनाओ माय डियर फ्रेंड, और उधारी ज्यादा बांटो मत, खुद भी स्टॉक ज्यादा मत रखो, लोगों को बोल दो मेरे पास स्टॉक ही नहीं है, मैं रखना ही बंद कर दिया हूँ, ऑनलाइन खरीदता हूँ, डिलीवरी दूसरे दिन आ जाती है, आपको चाहिए बुलाइए, डिलीवरी दूसरे दिन दे देंगे, क्रेडिट कम दो। जो लोग इस प्रकार के हैं जहाँ तकलीफ आ सकती है उनको पहले ही बोल दो कि भैया कैश डिस्काउंट लो, ज्यादा लो, तुमको व्यक्तिगत रूप से ज्यादा देता हूँ, लेकिन भैया प्लीज पैसे तो दुनिया में नहीं है तो मेरे पास कहाँ से रहेंगे, तुम्हारे कैश आने के बाद माल ऑर्डर करने वाला हूँ भैया मैं, मेरे को एक दिन आएगा और एक दिन बाद में तुमको देने वाला हूँ, दूसरे दिन जिस भी दिन तुम पैसे दे दोगे ना भैया मैं उसके 2 दिन बाद तुमको माल दे दूंगा। रिश्ता बना के रखो अरुण जी, तोड़ो मत, मुश्किल से तो कस्टमर मिलते, मुश्किल से तो लोग मिलते, जोड़ के रखो, प्यार मोहब्बत बढ़ाओ, रिश्ते बढ़ाओ, बात करो, फोन करना चालू करो, आज से डायरी में लिखो कौन अच्छा है, परिवार की जानकारी लो, अगले उसका बच्चा क्या कर रहा है, भाई क्या कर रहा है, झगड़े हो गए क्या भाइयों भाइयों में, ये सब खबर तुम रखो तो तुम्हारा कंट्रोल बिजनेस के ऊपर सही रहेगा। थैंक यू सर। मैं हमारे निवर्तमान भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय राठी जी और इस कार्यक्रम के हमारे स्पॉन्सर्ड भी हैं बिल्ड मार्ट, वो एक प्रश्न रखना चाह रहे हैं आपके सामने। विजय भैया, विजय भैया, भैया जय श्री कृष्ण। मेरा प्रश्न ये है भैया कि अभी जो भी रिसेशन आ रहा है निश्चित रूप से सबके व्यापार पे इफेक्ट तो पड़ेगा, तो हम लोग जब खर्चे कम करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों का ध्यान जाता है जो अपना मैन पावर होता है, स्टाफ होते हैं, तो हम लोग सब देखते हैं कि यार हम उसमें कटौती कर लें, तो ये कहाँ तक उचित है और हम लोगों को उसको कहाँ तक कैसे मैनेज करना चाहिए, थोड़ा सा मैं इसको समझना चाह रहा हूँ। विजय भैया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत वैल्यूएबल शंका है। और सबसे पहले तो विजय भैया आपको धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में मदद किया, जब तक आप जैसे साथी हैं तब तक ये प्रोग्राम अच्छे तरीके से समाज के लिए होते रहेंगे। और दूसरी बात जो आपने कही ना भैया, तो ये बहुत आसान रास्ता है जो लोग सोच रहे हैं कि आदमियों को छोड़ दो तो मेरा खर्चा बच जाएगा। अरे भाई जिस दिन आदमी वापस काम को लगेगा तो लाओगे कहाँ से तुम? ये ट्रेनिंग जो आपने उनको दिया है, जो इन्वेस्टमेंट आपने दिया है, आपने उसको एक्सपर्ट बनाया है, आपके काम के लिए बनाया है, बराबर है ना? ये प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा हूँ, मेरी 25-30 लोगों की टीम है तो मुझे भी ये फेस करना है। कुछ लोग उसमें से बहुत ज्यादा हाई पेमेंट वाले लोग हैं, उनको कैसे बचा के रखूं मैं अपने पास में? तो इसलिए हमको विजय भैया उनके साथ में बातचीत करना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। जितने आप होशियार है ना, आपसे एक कदम ज्यादा आगे है, उनको पता है बिजनेस की हालत क्या है, कैश क्रंच है, आप पगार नहीं दे पाएंगे, आपसे ज्यादा उनको पता है भैया।
तो आप है ना शर्म मत करो, ये मत करो, राजेश चैनल को पूछने के बजाय अपने लोगों के साथ मीटिंग करो, चर्चा करो, सीनियर्स के साथ बैठो, उनको बताओ कि देखो भैया हम परिवार है। माहेश्वरी लोगों की ये सच में खासियत है भैया, वो अपने लोगों को बहुत ध्यान रखते हैं। माहेश्वरी लोगों पूरे दुनिया में जो है ना, उनके यहाँ 25-50-100 लोग साल से काम करने वाले परिवार है। ये सिर्फ माहेश्वरी समाज के कमाल है, हम लोगों को परिवार के जैसा जोड़ के रखते हैं, सही है। इसलिए अपने लोग अपने साथ काम करते हैं। तो आप उनको बोलो कि देखो भैया अपना परिवार है, अपने को परिवार चलाना है, और अभी ये बिजनेस की हालत है, आने वाला एक साल आपको और मुझे पता है कि तकलीफ का समय है, पूरी दुनिया ऐसे बोल रही है, मेरे दोस्तों ने मेरी इंडस्ट्री में लोगों को इस प्रकार से निकाल दिया है, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं आपको कम करूं या आपका पगार भी कम करूं, मैं दिल से नहीं चाहता, लेकिन व्यवहार व्यवहार के जैसा ही करना पड़ेगा, कमाई होगी तो ही उसमें से खर्चा कर सकते हैं, इसलिए अपन सब लोग बैठ के विचार करो किस प्रकार से काम कर सकते हैं, मुझे बताओ। और मैंने भी मेरे लोगों के साथ में ये काम किया, मेरे लोगों ने मुझे सजेशन दिए कि सर अगर हमको जरूरत कम है तो हम धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली अगले 6 महीने तक पगार उतना ही रखेंगे, लेकिन हम उठाएंगे थोड़ा सा कम पैसा, तो कैश क्रंच जो है वो मतलब आपको पैसा अभी नया खड़ा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्लाइंट से फीस अगर कम आ रही है तो आप हमको कहाँ से देंगे, तो हम अभी कम उठाएंगे, जब पैसा आ जाएगा 4 महीने 6 महीने 8 महीने बाद तो हमारा जमा रहेगा आपके पास, हम वो पैसा उठाएंगे। नंबर वन। नंबर टू, मैंने उनको काम से लगाया, मैंने उनको कहा देखो भैया मेरे समझ में आ रहा है 25% फीस की इनकम कम होने वाली है, बिल्कुल साफ दिख रहा है, इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वर्ष 19-20 में जो फी आई उससे 20-21 में 25% कम आने वाली है, इसको किस प्रकार से आप रिप्लेनिश कर पाएंगे, कमाई कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे, मुझे बताइए। उनके ऊपर डाल दिया, वो लोग है ना रोज सजेशन लेके आ रहे, सर हम इस प्रकार का ये एक काम करते हैं, इससे हमको ये होगा, सर हम यहाँ एक खर्चा कम कर सकते हैं, इस प्रकार से हमको फायदा। बहुत खुशी की बात है भैया, करो करो काम करो, मैं भी दिमाग लगाता हूँ, तुम भी दिमाग लगाओ, 25% कम है ना। तो भैया उनको पार्टनर बनाओ, उनको साथ में बिठाओ, उनकी चिंता तुम अकेले मत करो, वो भी तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, आप भी उनकी चिंता करो, साथ में खाना खाओ भैया, और ये बात विचार करो और लगातार करते रहो, इसके आगे ऐसा समझो उनके लिए बिजनेस कर रहे हैं, है ना। और इसके ऊपर हर महीने रिव्यू है हमारा बस्तर का। हाँ भैया, एक बस्तर के टाइगर है हमारे, बस्तर जो बहुत यहाँ से दूरस्थ अंचल है छत्तीसगढ़, मतलब रायपुर से 400 किलोमीटर दूर, वहाँ के साथी बड़े उत्साह से आपको सुन रहे हैं। सुनील राठी जी को अनम्यूट करेंगे। मनीष, सुनील भैया। जय महेश चाणक जी। जय महेश, जय महेश। सुनील भैया बोलिए। भैया अपन जैसे सुन रहे हैं कि अभी आने वाला समय इनकम के लिए बहुत ही तकलीफ देह होगा, तो मैं फील्ड वर्क से हूँ भैया, पैरा बैंकिंग, LIC ऑफ इंडिया, ये सब में काम करता हूँ, और इसी से हमारी जीविका चल रही है। तो कैसे हम अपने मतलब इनकम को बढ़ाए भैया, क्योंकि सब सुनने में ऐसे ही लग रहा है कि बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, तो इस पे थोड़ा सा सुझाव देंगे। सुनील भैया आपने कुछ ज्यादा ही नेगेटिव बातें सुन लिया, आप है ना आज से टीवी की न्यूज देखना बंद करो, मेरी बात सुनो आप, और वो न्यूज़पेपर पढ़ना बंद करो, और कोरोना के बारे में बातचीत करना बंद कर दो, और 4-6 अच्छे पुराने स्कूल के जो दोस्त होंगे ना उनके नंबर पता करो भैया, रोज एक से बात करना, आधा घंटा एक घंटा, कोरोना छोड़ के बाकी सब बात करना भैया, अच्छी बात करना, खुशी की बात करना, खाने की बात करना, बच्चों की बात करना, पढ़ाई की बात करना, आध्यात्म की बात करना, किताब की बात करना, कविता की बात करना, संगीत की बात करना, पिक्चर की बात करना, कोरोना की बात नहीं करना। जी जी जी। सुनील भैया आप इतने चिंता में आ कैसे गए, आश्चर्य हो रहा है मुझे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई इनकम कम नहीं होने वाली, कोई परेशानी नहीं होने वाली, आपका ध्यान। सुनील भैया मेरी बात, लोगों की इनकम नहीं है फील्ड वर्क में, मैं बताता हूँ आपको चिंता करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता स्वयं LIC कर रही है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो अपने एम्प्लॉइज और अपने एजेंट्स का स्वयं होके इतना ध्यान रखती है कि वो खुद भी उतना ध्यान नहीं रखते।
वो आपके लिए सोचेगी, वो नए प्लान लाएगी, वो इंसेंटिव देगी, वो बोनस देगी, वो मदद देगी, वो ऑफिस के लिए पैसा देगी, स्टाफ के लिए देगी, कंप्यूटर के लिए देगी. डोंट वरी एट ऑल सुनील भैया, डोंट वरी एट ऑल. अपने कस्टमर से इस प्रकार की बात करना बंद कर दो कि भैया तकलीफ का समय है, इनकम कम हो गई, मैं समझता हूँ आपकी तकलीफ. बंद कर दो, कोई तकलीफ नहीं है भैया. इंश्योरेंस में जो है वो जरूरी का ही पैसा आता है. इंश्योरेंस सबकी जरूरत है, आपकी एसेंशियल सर्विसेज है. डू नॉट फॉरगेट इट, घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा. और चार छह महीने साल भर थोड़ी इनकम कम ज्यादा भी रही तो आप मैनेज कर सकते हैं. मैंने बहुत सारे रास्ते बताए आज के सेशन में. भैया अगला प्रश्न लेने के पहले मैं अपने जितने भी साथी यहाँ जुड़े हुए हैं उन सबको जानकारी देना चाहता हूँ कि कल भी हमारा 4 बजे बहुत शानदार ट्रेनिंग हरीश मंत्री जी की रहेगी. हरीश मंत्री हमारे अपने ही हैं और रिवायर योर बिजनेस माइंडसेट पे ये विषय पे कल ट्रेनिंग होने वाली है. और मैं क्वेश्चन आंसर अभी आखिरी तक और हम कंटिन्यू लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं महामंत्री अरुण डागा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स यहाँ पर दे दें और क्वेश्चन आंसर राउंड उसके बाद भी चलता रहेगा. साथियों आप जितने प्रश्न पूछना चाहेंगे राजेश भैया सबका जवाब देंगे, कंटिन्यू रहेगा. महामंत्री अरुण जी डागा प्लीज वोट ऑफ थैंक्स दे. जय महेश भैया. छत्तीसगढ़ प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन से की ओर से आयोजित 7 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसके स्पॉन्सर हमारे विजय भैया राठी बंधुस है, मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं राठी बंधुस का, जिन्होंने जिनके कारण हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं. साथ ही उन सभी पार्टिसिपेंट्स का जो आज देश के कोने कोने से इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और अपने प्रश्न अपनी क्वेरीज पूछ रहे हैं. और धन्यवाद उनका से हम यह प्रश्न यह क्वेरीज पूछ रहे हैं, हमारे कई डाउट्स क्लियर कर रहे हैं. हमारे आदरणीय चांडक जी साहब जो कि अमरावती से आते हैं, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग उन्होंने आज ली है, बहुत सी चीजें स्किल के बारे में हमें बताया है और बहुत ही एक अच्छी बात समझाई है जिसको मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि स्किल इज अ प्रोडक्ट ऑफ हायर मार्केट वैल्यू. आज हमें सीखने को मिली है कि कितनी भी रिसेशन आ जाए, कुछ भी स्थिति आ जाए, स्किल जो अगर आपके पास है तो आपका घर, आपका परिवार, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा. मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, आप सबने हमें सुना और आगे भी मैं अभी सभी पार्टिसिपेंट से भी अनुरोध करूंगा कि आगे के 6 दिन और हमारी जो ट्रेनिंग रहेगी आप सब जुड़े और सुने और अपने बिजनेस में उसको पोस्ट कोरोना लागू करें. जय महेश. धन्यवाद अरुण भैया. अब हम अपने क्वेश्चन राउंड की ओर वापस चलते हैं. राजेश भैया अब हमारे अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रणय माहेश्वरी. प्रणव माहेश्वरी. प्रणव जी. जय श्री कृष्ण सर. जय श्री कृष्ण सर. मैं आपका स्टूडेंट भी हूँ. अरे वाह प्रणव, बहुत अच्छे बहुत अच्छे. बोलो बोलो सर. मेरा क्वेश्चन ये था, आप सीए भी हैं तो फ्यूचर अभी कौन सी इंडस्ट्री न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है? प्रणव देखो, फार्मा इंडस्ट्री जो है ये आज की एकदम जबरदस्त बहुत ही मतलब पटाखा इंडस्ट्री है, क्योंकि हिंदुस्तान में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन बहुत अच्छा है और हमने 50 देशों को दवा यहाँ से भिजवाई है और अभी लोग बहुत अवेयर हो गए हैं. तो सैनिटाइजर और फेस मास्क और हैंड ग्लोव्स जबरदस्त तरीके से ये बिक रहे हैं, आगे हमेशा बिकने वाले हैं. आपने देखा शेयर बाजार गिरा, लेकिन सभी फार्मा कंपनियों के शेयर्स के भाव तड़ाके से बढ़ गए हैं पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि हिंदुस्तान को बहुत बड़ी ऑर्डर्स मिल रही है सब दवा की. तो दवा का बिजनेस जो है, फार्मास्यूटिकल का बिजनेस जो है, केमिकल रिलेटेड बिजनेस जो है, ये बिजनेस बहुत अच्छा तेजी से अच्छे से आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं है. अभी जैसा मैंने कहा ऑनलाइन बिजनेस बढ़ेगा, तो आईटी सेक्टर में जो ऑनलाइन की ये सर्विसेज देने वाले लोग हैं जो पोर्टल बनाते हैं और उनको मेंटेन मैनेज करते हैं, तो ये ऑनलाइन सर्विसेज देने वाली इंडस्ट्री जो है इनका आईटी इंडस्ट्री, इसका काम अभी भी अच्छा है, आगे बहुत अच्छे तरीके से ये काम और भी बढ़ने वाला है. मेडिकल इंश्योरेंस का काम बहुत बढ़ेगा, इंश्योरेंस का काम बढ़ेगा, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गया किस प्रकार से तकलीफ होती है और उनका काम बचना चाहिए, तो उनका बिजनेस बचना चाहिए और वो उनका परिवार को तकलीफ नहीं होनी चाहिए. तबीयत खराब हुई तो पैसे नहीं खराब होने चाहिए, इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस और इंश्योरेंस इसका बिजनेस भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं. फोर व्हीलर इंडस्ट्री मेरे हिसाब से तेजी से आगे बढ़ सकती है, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जो हम लोगों की आदत थी ना, 4 लोगों की गाड़ी में भी अपन 8 लोग चले जाते थे, तो अब आगे इस प्रकार का काम नहीं चलेगा. कम लोग गाड़ियों में जाएंगे, मतलब एक गाड़ी में कम लोग बैठेंगे, घुसा के नहीं बैठेंगे,
इसलिए हो सकता है। मारुति जो सुजुकी कंपनी है उसके चेयरमैन ने ये बात बोली है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद में ज्यादा गाड़ियों की ऑर्डर आएगी, ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि गाड़ी में कम लोग बैठेंगे तो गाड़ियां ज्यादा लगने वाली है, उन लोगों को कार से जाना है। लोग कुछ लोग जो है वो टू व्हीलर से जाना कम पसंद करेंगे क्योंकि उनको डर रहेगा कि वो जो वातावरण है वो दूषित है, तो वो लोग कार का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो कार का इस्तेमाल करेंगे। एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त तरीके से ऑनलाइन पे पूरे दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ेगी भैया, बहुत ताकत से बढ़ेगी, तो एजुकेशन इंडस्ट्री जो है इसकी ओर भी अपना ध्यान हो सकता है। प्रणव तुम सभी को स्वयं ही होशियार आदमी हो यार, तुम काहे और लंबा खींच रहे हो उसको। हमारे अगले क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं गंगाधर जी चांडक, गंगाधर चांडक जी को अनम्यूट करेंगे। मनीष चांडक जी को जय श्री कृष्ण, बोलिए चांडक जी। जय श्री कृष्ण सर, हेलो। हाँ चांडक जी बोलिए। आवाज आ रही मेरी आपको? हेलो, हाँ आ रही है। जय श्री कृष्ण सर, आपसे मैं एक पूछना चाह रहा था कि जो हम जो रनिंग बिजनेस जो कर रहे हैं उसमें बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां होती रहती है और वो गलतियां तो उसको हम उसको ऑडिट कैसे करें और उसको स्वागत कैसे करें? हाँ ये ऐसा है चांडक जी, आपने अच्छा ईमानदारी का सवाल पूछा कि हम छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आपके ध्यान में आ गई ये बात, इसका पक्का ऑडिट कीजिए आप, और किसी बाहर के आदमी से ज्यादा करवाने की जरूरत नहीं है, खुद ही कीजिए आप। आप खुद गलती कर रहे हैं, आपके अनुभव से ध्यान में आया है, आपके परिवार के सीनियर्स को पता है, आपके एम्प्लॉइज को पता है, कागज पेन लेकर बैठ के सुबह से शाम तक कहाँ कहाँ गलती होती है, दुकान में माल देने में, डिलीवरी देने में, पैकिंग करने में, वजन करने में, बिल बनाने में, पैसे लेने में, खरीदी करने में, डिस्काउंट कैलकुलेट करने में कहाँ गलती हो रही है, स्टोरेज में कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है, इसका ऑडिट आप न सिर्फ आज बल्कि रोज कीजिए और अपने अलग अलग लोगों से बार बार करवाइए। अगर बहुत बड़ा बिजनेस होगा तो इसके कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं, उनसे भी आप ये ऑडिट करवा सकते हैं, ये इससे आपका बहुत नुकसान बचेगा, बहुत फायदा होगा। मेरी एक बात कान खोल के स्पष्ट सुनिए, अब इसके आगे गलतियां करने का समय खत्म हो चुका है। जिंदगी में गलती एक प्रकार की एक ही बार करना, एक बार कर लिया सीख लिए कि वो गलती दोबारा नहीं होना चाहिए, दूसरी बार दूसरे प्रकार की नई गलती हो तो चलेगा। इसलिए चंदन जी गलतियां दोहराने का आप समय नहीं है, वी हैव टू बी कॉम्पिटेंट एंड एक्सलेंट। ओके सर, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन है, मेरे साथी पूछ रहे हैं अविनाश तापड़िया जी, बोलिए तापड़िया जी। अविनाश तापड़िया मनीष, क्या अविनाश जी हैं क्या लाइन में? जी ले लिया मैं। हेलो, बोलिए बोलिए ना भाई। हेलो सर, हम लोग की दुकान यहाँ पे गांव पे है, किराना की दुकान है। हेलो, हम लोग की दुकान अभी यहाँ पे राइट टाइम में खुल रही है अभी, लेकिन आने वाले भविष्य में जो सोशल डिस्टेंस का जो पालन करके काम करना पड़ेगा हम लोग को भी, तो क्या हम लोग जैसे यहाँ पे भी ऑनलाइन का काम चालू करें तो हम लोग को किससे संपर्क करना पड़ेगा ऑनलाइन के लिए? भैया ऑनलाइन काम चालू करना है मतलब आपको ऑनलाइन का पोर्टल खुद का बनाना है। हाँ, खुद का पोर्टल बनाना। आप गाँव में है मतलब आप देखिए ऑनलाइन पोर्टल जो है ना ये उसको ज्यादा काम में आता है जिसके कस्टमर दुकान में आना पसंद नहीं करते हैं और जो थोड़ा मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर वैसे आपके कस्टमर है जो दुकान में आना कम पसंद करे और उनको ज्यादा पसंद आएगा अगर आप माल डिलीवरी करते हैं घर पे, तो आप निश्चित रूप से किसी भी IT कंसल्टेंट से आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा जो जिनके जिनका ये बिजनेस है IT सर्विसेज देने का। तो आप है ना किसी कंसल्टेंट के बिजनेसमैन के थ्रू ही जाइए, अपने समाज के जो लोग हैं इनसे थोड़ा सा चर्चा कीजिए कि कौन है रायपुर में या नजदीकी शहर में कौन है जो इस प्रकार की सर्विसेज देता है जिसने दिया है, और जिन लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल बनाए हैं उनको भी पूछ लीजिए कि आपके रिलेटिव्स होंगे हिंदुस्तान में कहीं भी होंगे, दोस्त होंगे, कि आपने लिया है ऑनलाइन पोर्टल तो कौन सा लो, कौन सा अच्छा है मेरे लिए, कौन सा अच्छी जानकारी लेना। भैया घाई गड़बड़ मत करना, बहुत महंगे भी नहीं आते हैं, ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है भैया, ये भी समझ लीजिए आप।
जी। और आपके पास आपके फैमिली में यंग बच्चा कोई है क्या 25-30-35 साल में? जी मेरी खुद की उम्र 30 साल है सर। नहीं, आप इस बिजनेस में फुल टाइम दे रहे हैं क्या? जी जी जी। हाँ, तो ऐसे ही बस आप एकदम करेक्ट है, आप सीखने की कोशिश कीजिए। यंग लोग जो है ये जल्दी सीख लेते हैं, ये आसान है, लेकिन यंग लोग ज्यादा जल्दी सीखते हैं, सीनियर लोग सीखने में देरी लगाते हैं। उनको और टेंशन देना, आप ये सीख लेना तो ये आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, ये सुबह शाम याद रखना, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल में भी कभी कभी गड़बड़ होती है, तो पूरा सीखने के पहले चालू मत करना भैया। तापड़े जी 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 जी, हाँ जी, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। ये यही पर लगभग सभी क्वेश्चन का आपने बहुत शानदार रिप्लाई दिया, जवाब दिया, और सभी संतुष्ट है। वेरी गुड। इसी के साथ अपनी कुछ लाइनों के साथ में इस पूरे कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे। आओ कुछ नया सीख ले, आओ कुछ नया सीख लें, जमाने के साथ चलना सीख लें, कुछ नहीं तो अपनों को अपग्रेड करना सीख लें, कुछ नहीं तो अपने को अपग्रेड करना सीख लें, और नहीं तो कुछ नहीं अपने बच्चों के लेवल पे आना सीख लें। इस लॉकडाउन का इतना फायदा उठा लें कि अपने बच्चों का जो ज्ञान है उस लेवल तक हम आ जाए, इतना सीख लें। एटलीस्ट सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद दिया। वैसे महामंत्री जी ने आपको ऑफिशियली धन्यवाद दिया और आपने अपना बड़ा कीमती समय इस प्रदेश के लिए और हम सभी वासियों का लाभान्वित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों से आग्रह, कल पुनः हम 4:10 3:50 को पुनः हम मिलेंगे, कल की ट्रेनिंग लेकर। हरीश मंत्री जी की ट्रेनिंग है कल, रिवाइव योर बिजनेस माइंडसेट। इसी के साथ सबको आपका शुक्रिया रुपेश जी, विजय जी और राकेश जी, आलोक और अरुण। कल एक ध्यान, कल और आगे के लिए ध्यान रखना कि जैसे 4 शुरू करना है तो कितने बजे समाप्त करना है, इसका भी ध्यान रखना। समझो फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि 6 ध्यान खत्म करना है, तो जो सवाल फिर रह गए, 2-4 सवाल रह जाते हैं, तो उसको बोलना कि ये व्हाट्सएप से, वो जो है ना अपने साथी स्पीकर, तो व्हाट्सएप से उनसे हम जवाब आपको दिलवा देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो पार्टिसिपेंट्स है उनको भी पता है कि 6 खत्म करना है, और स्पीकर को भी पता है कि 6 खत्म करना है। तो इस तरीके से ज्यादा बेहतर मैनेज हो जाएगा। वैसे बधाइयां आपको, अच्छा प्रोग्राम रहा, लोगों ने पार्टिसिपेट अच्छा किया, सवाल की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बधाइयां आपको। और मेरी सेवाओं की कभी भी जरूरत हो तो याद करना। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भैया, थैंक यू सर, थैंक यू भैया। अच्छा जी, ठीक है, बाय भैया। सिर्फ एक सवाल रह गया है, बोलिए बोलिए जी। नवल जी राठी रायपुर से, उन्होंने एक सवाल किया है कि हेल्थ इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री जो कि हर्बल प्रोडक्ट में भी डील करते हैं, उसके बारे में क्या फ्यूचर लग रहा है इस कोरोना काल में? अरे भैया, भविष्य भी उन्हीं का है, तो फ्यूचर की क्या बात कर रहे हो भैया। भविष्य भी आप ही का है, आप बिल्कुल शौक से काम कीजिए। जितनी बातें, जितने पॉइंट्स मैंने इस सेशन में लगाए सब अप्लाई कीजिए। और मैंने बताया चाइना के लोग भी नॉनवेज छोड़ के वेज की तरफ आ रहे हैं, हिंदुस्तानी लोग भी ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं, हर्बल की तरफ आ रहे हैं, वेलनेस इंडस्ट्री बहुत काम की है, सब लोग उसमें आ रहे हैं। तो आप ही का भविष्य है, आप ही हमको बताइए हमने आगे क्या करना चाहिए। आप बिल्कुल चिंता ना करें, हाँ लेकिन अपडेट रहे, शानदार रहे, वो 5P वाला फॉर्मूला ध्यान रखे, एकदम नया नया और बढ़िया वाली आप सर्विसेज दे और अपने कस्टमर से शानदार रिलेशनशिप बना के रखे, तो नो प्रॉब्लम हमेशा के लिए। और हिंदुस्तान तो अभी बहुत आगे बढ़ रहा है, मोदी जी ने आपका योगा डे भी लेके आया है, और रामदेव बाबा तो आप ही के लिए काम करते हैं, 24 घंटे लोगों को सिखाते भैया कि चलो एक्सरसाइज करो और प्राणायाम करो, ब्रीदिंग करो और हेल्थ बनाए रखो। सो योर इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी रॉकिंग। थैंक यू भैया। अच्छा, बाय। जय श्री कृष्ण भैया, जय महेश। मनीष भैया धन्यवाद। मनीष,